जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनु चौधरी ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है, सैनिक स्कूल 28 जनवरी 2024 को जो आज एग्जाम हुआ है, उसका पेपर हमारे पास आ चुका है और उसका सॉल्यूशन हम ऑनलाइन अभी यहां पे करेंगे सारे के सारे। और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो कल हमने लास्ट क्लास की थी, जिसमें हमने तीन चैप्टर किए थे, एडजेक्टिव वाला, एक आपका क्वेश्चन टैग वाला और एक आर्टिकल वाला, उससे कितने क्वेश्चन आए हैं कल वाली क्लास से, क्लियर है। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस की थी, ऑनलाइन जो न्यू बैच है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं 10 फरवरी से और न्यू बैच लॉन्च हो रहा है 1 मार्च 2025 के लिए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्लास सिक्स का मेरे पास पेपर है सबसे पहले, और क्लास सिक्स का इसी में सारे के सारे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, जीएस है, ठीक है, जीके वाला जो पोर्शन और रीजनिंग वाला है, वो सारे के सारे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्लियर। पेपर बहुत अच्छा आया है, मेरे चेहरे की खुशी बता रही है। जैसा कि मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चों ने आके बताया है कि सर जो कल वाली क्लास थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत मजा आया पेपर करने के बाद, और बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल सा पेपर आया था हमारा। आरएमएस का जो हमने पेपर दिया था उसके कंपैरिजन में तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। मैंने आपको अप्रोक्सीमेट 10 to 15 days पहले एक लिस्ट दी थी आपको, मैंने कहा बेटा ये वाले आपको सारे के सारे आपको लर्न करने हैं, उसमें मैंने स्पेशली वो वर्ड्स आपको यूज किए थे जो पिछले 10 years में आपके पूछे गए थे सैनिक स्कूल क्लास 6th और 9th में, और भी कुछ वर्ड दिए थे। सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध करना, सैंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध करना। ये हमारे भाई से बुक से है, भाई लिस्ट से है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध करना। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड यूज करना है, एंटोनिम यूज करना है, किसका, फॉरगिव का। फॉरगिव का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो किसी ने आपके नोटबुक पर आपका उस पर कुछ पेन चला दिया या उसको फाड़ दिया, पहले पेज को आपने क्या किया, उसकी नोटबुक का फर्स्ट पेज जो था उसको फाड़ दिया, तो अगर आपने उसको माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, फॉरगिव का मतलब क्या है, माफ कर देना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिवेंज, यानी कि बदला लेना, ऑप्शन नंबर डी। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, डी होगा, अपोजिट वर्ड यूज करना था आपको, एंटोनिम यूज करना था, फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना, अपोजिट क्या हो जाएगा, रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है, रिवेंज का मतलब होता है किसी से बदला लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ याद आया होगा इसको, मैंने आपको आरएमएस की जो लास्ट क्लास ली थी उसमें बताया था मैंने आपको कि बेटा एमएलए, बीए, आर, ईयर, ऑनेस्ट, इन सबसे पहले कौन कौन से आर्टिकल यूज करवाए हैं वो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। आरएमएस में एमएलए वाला वर्ड आया था और यहां देखो ऑनेस्ट वाला वर्ड आ गया, और सैनिक स्कूल ने जो आज एग्जाम हुआ था दो क्वेश्चन पूछे थे आर्टिकल से, एक एन का और एक दा का। क्या बोला था, जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं और उसमें बोलने पर आ आ ई ई उ उ ए ए या ओ ओ की आवाज आती है, ऑनेस्ट, तो उससे पहले आर्टिकल एन का यूज करना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड का, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन, क्लियर है। थर्ड का क्या होगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी, सारे सेट की आंसर की टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, सब की आंसर की, सारे सेट की, क्लास सिक्स की भी और क्लास नाइन्थ की भी आंसर की आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सेंटेंस, द सन सेट्स इन द बेस्ट, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्शन जो आज से 500 साल पहले भी ऐसे ही थी, आज भी ऐसे ही है और 500 साल बाद भी ऐसे ही रहेगी, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज आपका वेस्ट में अस्त होता है, सेट होता है, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर है, टेंस में फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डैश गुड, ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था आर्टिकल क्या है, दा मतलब डेफिनेट, डेफिनेट मतलब निश्चित, निश्चित मतलब एक, और अगर निश्चित मतलब एक है तो ये जो फोर्थ में क्वालिटीज लिखा हुआ है सर, क्वालिटीज नहीं, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स की जो
क्वालिटी है, दी क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज गुड, इन प्रोडक्ट्स की, इन चीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपका फिफ्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दी क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट इज गुड। नेक्स्ट, आपको किसी को लग रहा है ना कि सर इसमें तो क्वालिटीज और आर भी आ सकता था, हालांकि क्वालिटीज और आर ऑप्शन में है नहीं, क्वालिटीज और आर आ सकता था, लेकिन आपको उसके लिए यह भी याद करना पड़ेगा कि क्वालिटी जो है वो एक आपका क्वांटिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ अगर प्रेफरेंस आपको यूज करनी है तो ईएस नहीं लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देते हैं आपका पैसेज। पैसेज बड़ा अच्छा आया था, ठीक है, मैंने लगभग 10-15 दिन से बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में दोनों में ही लगातार पेपर सॉल्व कराए हैं, बहुत सारे पैसेज थे, लेकिन जिन पैसेज के कंपैरिजन में मैंने जो तैयारी कराई थी बच्चों को, उनके कंपैरिजन में जो पैसेज का लेवल था वो बहुत ही घटिया था, बहुत बेकार था। बहुत सिंपल पैसेज आया है, बोला इट इज बिलीव्ड दैट अ फैस्मिना शॉल इज अ वॉर्म एज सिक्स, ठीक है, एज सिक्स स्वेटर्स, ठीक है, बोला है कि ऐसा माना जाता है कि जो पश्मीना की सॉल होती है वो उतनी गर्म होती है जितने की 6 स्वेटर होते हैं, 6 स्वेटर्स होते हैं। इट इज वेरी थिन, ये बहुत ही पतली होती है, येट वेरी वॉर्म, वेरी थिन, बहुत पतली होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत गर्म होती है। द गॉड्स, ठीक है, फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स, ठीक है, जिन गॉड्स से, जिन बकरियों से, जिन गॉट से पश्मीना की उस जो वूल है, जो वूल है उसको जो निकाला जाता है वो कहाँ पाई जाती हैं, वो 5000 मीटर एल्टीट्यूड पर पाई जाती हैं। और आगे बोला इन विंटर्स, ठीक है, ठंडियों में द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो 0 सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे ठंडियों में जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री तक गिर जाता है, कौन से कहाँ पर, ये 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर, वहां पर ये गॉड्स पाई जाती है जिनसे ये पश्मीना की वूल ली जाती है, निकाली जाती है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गॉड्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है, इतने एल्टीट्यूड पर जहां -40 डिग्री का टेम्परेचर रहता है वहां पर इन गॉड्स की बॉडी पर जो हेयर होते हैं ना वो हेयर इनको ठंडी से बचाते हैं। द गॉड्स सेड सम ऑफ देयर हेयर्स इन समर, और देखो ठंडी से, ठंडियों में बचाने के लिए इन पर जो हेयर्स होते हैं वो आते हैं इनकी बॉडी पर, लेकिन गर्मियों में क्या होती है, ये अपने कुछ हेयर्स को सेड कर देती हैं, जो क्या करती हैं, गर्मियों में बकरियां अपने कुछ हेयर्स को, कुछ बालों को गिरा देती हैं या गिर जाते हैं, सेड कर देती हैं। This hair is so fine. इस गॉट का ये जो फेयर है वो इतना फाइन होता है, इतना सॉफ्ट होता है, इतना पतला होता है, दैट सिक्स ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज वन ऑफ योर्स, कि अगर उस गॉट के 6 हेयर्स को मिला दिया जाए, एक साथ कॉम्पैक्ट कर दिया जाए, तो उनकी जो डायमीटर होगा वो उतना ही होगा जितना हमारे 6 हेयर का था, उनके 6 हेयर का था, वो हमारे एक बाल के बराबर। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवेन ऑन मशीन एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दीज सॉल्स बाय हैंड्स, मशीनों से इस सॉल को नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कश्मीर में जो हाथ से वीव करने वाले होते हैं ना, जो बुनने वाले होते हैं वो बनाते हैं, और एक सॉल को कंप्लीट करने के लिए लगभग 250 आवर्स वीव करना पड़ता है, एक सॉल को कंप्लीट करने के लिए 250 आवर्स उनको काम करना पड़ता है। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन to fill in the blanks. It is believed that a pashmina shawl is as warm as, क्या माना जाता था कि इन गोट की जो हेयर्स है, जो उनकी फर से बनी हुई सॉल्स, इतनी गर्म होती है जितना कि 6 स्वेटर, आप इमेजिन करो ना, आपने एक के ऊपर एक 6 स्वेटर लगा दिए हैं, ठीक है, और आप क्या लग रहे हो, मोटू पतलू वाले मोटू लग रहे हो, जितनी गर्मी आपको 6 स्वेटर पहन के मिलेगी उतना गर्म तो ये एक अकेला सॉल होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, द गॉड सेड सम ऑफ देयर इन समर, विंटर्स में -40 डिग्री टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए उनपे जो हेयर आते हैं, लेकिन समर में वो उस हेयर को क्या करते हैं, सेड कर देती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, गर्मियों में ये क्या करती है, गॉड्स अपने सेट को, अपने हेयर को सेट कर देती हैं, गिरा देती हैं। तो 7th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूं, सेट ए बी सी सारे के सारे जो भी सेट्स हैं वो आपके डी, उन सभी के आंसर की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपका लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट बैच है उसके रजिस्ट्रेशन ऊपर हो रहे हैं 10th of February से, और 2025 के लिए जो नया बैच लॉन्च हो रहा है वो है 1 मार्च से, ठीक है। और अभी जो मैं सेट कर रहा हूँ वो सेट बी है आपका। क्लियर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
आफ्टर ऑलमोस्ट डैश ऑफ वीविंग वन प्लेन पैस्मिना सॉल इज मेड, कितने घंटे बुनाई करने के बाद एक सॉल तैयार होता है, 250 आवर्स के बाद। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 250 आवर्स के बाद, और इसको मशीन से भी नहीं बता बनाया जा सकता, इन्होंने अभी अभी बोला था इसको। नेक्स्ट है, अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गॉड्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, इसमें जो कोट आता है ना, जो हेयर्स आते हैं उसकी बॉडी पे, जो उसे बहुत ठंडी से बचाते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ हेयर, बताने की जरूरत है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देखो या ना देखो, अगर आपने उसको नाम दे दिया वो क्या है, वो नाउन होता है। ये बताओ, ये मेरे हाथ में क्या है, क्या है मेरे हाथ में, हेयर, नाम दे दिया ना, नाउन हो गया, तो हेयर क्या है यहां से, नाउन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9th का ऑप्शन नंबर बी होगा सर, हेयर का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, मैंने आपको अलग से क्वेश्चंस लिखवाए थे, मैंने कहा बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच से 6th क्लास में कम से कम दो क्वेश्चन और 9th क्लास में भी एक दो क्वेश्चन तो आना ही आना है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ गया, पूरे सेंटेंस में कोई वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और उससे पूछ रहे कि बताओ ये किस चैप्टर का हिस्सा है, और 6th क्लास में भी दो आए हैं, एक और क्वेश्चन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हर बार दो क्वेश्चन आते हैं 6th क्लास में, और इस बार भी आए हैं। चूज द अपोजिट ऑफ द थिक, देखो थिक का मतलब क्या होता है, मोटा, तो थिन का मतलब क्या हो जाएगा, पतला, तो 10th का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपोजिट वर्ड ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए एक और क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको बताना है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका एक क्या है, एडजेक्टिव है। देखो फाउंड, फाउंडेड, सर जिसमें ईडी लगता है वो तो वर्ब होती है, ये क्या हो गया, वर्ब हो गई। ठीक है, आसमान में क्या उड़ते हैं, पक्षी, आपने वर्ड्स को नाम दे दिया, ये नाउन हो गया, क्लियर है। और रिमेन्स, रिमेन्स भी आपका क्या है, ये नाउन की तरह भी काम करता है और वर्ब की तरह भी काम करता है, लेकिन हाई आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि सर ये हाई भी होता है, ये हायर भी होता है, ये हाईएस्ट भी होता है, तो जिसकी पॉजिटिव, जिसकी कंपैरेटिव और जिसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है ना बेटा, वो होता है आपका एडजेक्टिव, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, मैंने बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट है, आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में मनी है, डैश, देखते हैं आगे क्या है। सर मोस्ट का यूज नहीं कर सकते, मोस्ट का यूज करते हैं जब दो से ज्यादा लोगों में कोई कंपैरिजन होता है, मैनी का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सर मैनी एक आपका काउंटेबल एडजेक्टिव होता है, और यहां पे जो मनी है वो आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव भी अनकाउंटेबल होना चाहिए, मैंने बताया था, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव मोर मनी इन माई पॉकेट, क्लियर है, I have more money in my pocket, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। मैंने बताया था कि बेटा एडजेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कंपैरिजन आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां कंपैरिजन होता है, तो वहां आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाने की जरूरत नहीं होती, वहां आप अकेले मोर या कंपैरेटिव डिग्री के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अपोजिट वर्ड यूज करना है आपको, किसका, रियल का। मेरे पास हरितोष सर बैठे हुए हैं और हरितोष सर बता रहे हैं, अरे ये तो मैथ्स का आ गया, कि मैंने कहा कहां से, कि सर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते समय मैंने बताया था कि बेटा रियल और इमेजिनरी में वही आ गया। रियल का मतलब क्या है, वास्तविक, जो सामने है, जिसको करा जा सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है। अपोजिट क्या है, इमेजिनरी, तो इमेजिनरी मतलब क्या है, जो रियलिटी में नहीं है, तो अपोजिट क्या है, एंटोनिम हो जाएगा, रियल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, ऑप्शन नंबर बी 13th का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, फिश से करेक्ट स्पेलिंग एज इट इज डिक्टो आ रखी है, जो लिस्ट आपको दी थी, क्लियर है, रिसीव की स्पेलिंग बतानी है, जरा याद करना, जब मैंने आपको लेटर लिखना सिखाया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कहां रिसीवर्स एड्रेस यूज होता है, कहां पर सेंडर्स एड्रेस यूज होता है, तो रिसीव की आर ई सी ई आई वी ई ऑप्शन नंबर ए 14 का। सेट कौन सा है, हम इस समय कर रहे हैं सेट बी, बाकी बचे हुए जो सेट की आंसर की है वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पहले बताओ ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से तीसरा क्वेश्चन, बस क्या है, सर बस एक कॉमन नाउन होता है और नाउन को डिफाइन करने के लिए आपको एक पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, हेयर और देयर तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस है, आपको नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है आपका ऑप्शन नंबर ए टी एच ई आई आर वाला, जरा याद करो, याद करो एडजेक्टिव की वो क्लास जिस दिन पढ़ाया था आपको, हिज और देयर, क्लियर है। चलिए ठीक है, सैटरडे को हमारी क्लास में मैंने बताया था लास्ट टाइम कि बेटा बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या होता है,
जब आपको यूज हो रहा था ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ी परेशानी हो रही थी ऑनलाइन वाले बच्चों को कि सर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड कहाँ यूज करना है हमें पता ही नहीं चल रहा। तो उस दिन मैंने बताया था कि बिफोर का हिंदी मतलब होता है पहले और आफ्टर का हिंदी मतलब होता है बाद में। अगर बिफोर लगा हुआ मिलेगा जिसका मतलब होता है पहले, तो आप पहले वाले क्लॉज में हेड लगाएंगे, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आप बाद वाले क्लॉज में हेड लगाएंगे। यहां ऑप्शन नंबर क्या है, बिफोर है जिसका मतलब है पहले, तो आपको एचडी हेड पहले वाले क्लॉज में लगाना है। तो सर हेड नहीं आएगा, हेड लेफ्ट आएगा, क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। जब दो एक्शन एक साथ होती है पास्ट की, तो पहले होने वाली एक्शन पास्ट परफेक्ट में जाती है और बाद में होने वाली एक्शन सिंपल पास्ट में आती है। अरे कुछ याद आया या नहीं? अभी याद नहीं आएगा, अभी तो मिलो क्लास में, देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल वाली क्लास से। पूरे साल की लास्ट क्लास में तीन चैप्टर बताए थे, कौन सा? क्वेश्चन टैग, आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप सिर्फ इतना याद रखना कि सर ने पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बताया है। अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव बना दो, और नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बना दो। यहां नीड नॉट नेगेटिव दिया है, आप इधर नीड नॉट का नीड कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, बात खत्म, बन गया आपका क्वेश्चन टैग का आंसर। इज है तो इज नॉट, आर है तो आर नॉट, हैज है तो हैज नॉट, वर है तो वर नॉट, और हैज नॉट है तो हैज कर दो। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, याद आया कुछ? तो क्वेश्चन टैग का है, तो 617 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन टैग का। नीड नॉट का आपको क्या बनाना है, नीड बनाया है। चलिए फटाफट से इसको करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, क्लियर है? और सर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर जल्दी से करो फिर मैं आंसर की दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इज एम आर वॉज वर के साथ आई एन जी फॉर्म आती है, यहां इज एम आर के साथ आई एन जी नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो आंसर की नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, ट्रेन एकदम से रुकी या ट्रेन एकदम से रुक रही थी? मान लो आप सामने खड़े हुए हो और ट्रेन एक धीरे धीरे रुक रही है, रुकी नहीं है, रुक रही है, और आपके ऊपर से होके गई। ट्रेन एकदम से रुक रही नहीं है, ट्रेन एकदम से रुकी, सिंपल पास्ट में जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, सेट बी का, स्टॉप्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चूज द इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बात है, क्या बढ़िया क्वेश्चन आया है। ठीक है, वर्ब से देख रहे हो, चलो याद करते हैं क्या पढ़ा था कि सर इज एम आर वॉज वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब होगी, उनको छोड़ो हटाओ। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है, ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव हो गई। ये वर्ब है भागना, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव हो गई। ये वर्ब है जलाना, ठीक है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव हो गई। लेकिन सर वर्ड्स, ये तो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई उड़ना ये आपकी वर्ब हो गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट कहां गया? ऑब्जेक्ट सर हम सैनिक स्कूल के पेपर में छोड़ आए, गोली मार दी उसको, वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और पूछा गया इंट्रांजिटिव, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 19 का बी होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, चलिए कंजक्शन को याद करो फटाफट से, इस क्वेश्चन को तो एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। मैंने कंजक्शन के पेयर लिखाए थे आपको, कंजक्शन के पेयर में बताया था कि अगर बेटा और है तो इसका पेयर कभी भी किसी के साथ नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ वेदर के साथ बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। सर कमेंट देखते रहना, ठीक है एक बार, ठीक है। और के बाद क्या बनेगा, और का पेयर सिर्फ और सिर्फ वेदर के साथ बनता है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं बनता, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, 20 का सॉरी। नेक्स्ट है, राम इज डैश स्टूडेंट हुम वी ऑल एक्सपेक्ट टू गेट लेस देन 35% मार्क्स। राम वो लड़का है जिसको हमने ये सोचा था कि वो 30% से मार्क्स कम लेके आएगा। चलो इसको ऐसे याद करते हैं, जहां पर WHO who और WHO am whom होता है ना, वो किसी चीज को डेफिनेट करता है, और डेफिनेट के लिए जो एडजेक्टिव आर्टिकल है वो भी डेफिनेट आता है, तो आर्टिकल हो गया द। राम वो लड़का है जिसको हमने उम्मीद की थी कि वो 35% से कम लाएगा, जहां हु या हुम का यूज होता है वहां आर्टिकल द आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, याद रखना मेरी इस बात को, ठीक है। क्या करता है ये हु या हुम, ये किसी चीज को डेफिनेट बना देता है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर का एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन, द स्पीकर इज गोइंग डैश द सब्जेक्ट। स्पीकर सब्जेक्ट से मतलब बोलते बोलते सब्जेक्ट से भटक गया, सब्जेक्ट से अलग हो गया।
सिक्स क्लास में टू का पेयर बनता है फ्रॉम और विद इन एन आवर, ठीक है वो भी याद होगा, और फ्रॉम का पेयर बनता है टू के, सर फ्रॉम द सब्जेक्ट नहीं, द स्पीकर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से दूर जाना, किसी चीज से भटक जाना, ठीक है किसी चीज से दूर, स्पीकर बोलते बोलते सब्जेक्ट से भटक गया, स्पीकर बोलते बोलते सब्जेक्ट से दूर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ब से है आपका, फिर से अकबर की आर्मी ने चित्तौड़गढ़ का जो कैसल था फोर्ट था उसको सीज कर लिया, ठीक है देखो इस सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, कैसल को स्टॉप नहीं करते, इस सीज का मतलब है देखना, अगर आप आर्मी लेके जा रहे हो तो किसी किले पर जंग करने जा रहे हो या उसे देखने जा रहे हो कि बस शाम से फोटो देखेंगे, एक दो फोटो वोटो खिंचाएंगे, अच्छी सी फेसबुक अपलोड करेंगे, बस बात खत्म, नहीं आप उसको जब्त करने जा रहे हो, आप उस पर अपना कब्जा करने जा रहे हैं, तो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि सर उसके साथ सीज नहीं करेंगे, सीज का अगर आप सीज यूज कर देते हैं तो उसका मतलब ये हो जाएगा आर्मी सीज करती है, यानी कि रोज कर रही है वो चित्तौड़गढ़ के किले पे, कर लिया पास्ट है तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट है ईडियम, कराया हुआ था बीट द एयर, यानी कि हवा में तीर चलाना, बीट द एयर, कल तेरा भाई को मैंने देखा था और मैंने हवा को बीट कर दिया, हवा को बीट करोगे, बीट द एयर का मतलब होता है हवा में तीर चलाना, फालतू के ऐसे बोलना यानी कि यूजलेस एफर्ट्स करना, हवा में तीर चलाना यूजलेस एफर्ट्स करना, ऐसे प्रयास करना जिसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, हवा में तीर चलाना यूजलेस एफर्ट्स। और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, किसी को जान से मारने की धमकी दे देना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ्टी, किसी को बचा लेना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 25th का थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी देना, अपोजिट क्या है आपका, एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेफ्टी, ठीक है। तो ये सेट बी के इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे। अभी मेरे पास, मेरे साथ हैं हरितोष सर, जो आपको मैथ्स को जो पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे, क्लियर है। हाँ रीजनिंग, पहले रीजनिंग का करेंगे, उसके बाद सर मैथ्स का भी कराएंगे, क्लियर है। दूसरी बात मैं बता दूं, बाकी ये सेट भी है, बाकी जो भी सेट है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो 2025 के लिए जो नया कोर्स लॉन्च होगा उसके रजिस्ट्रेशन ऊपर हो रहे हैं आपके 10th of February से, और 1 मार्च से हम नया कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि जो मार्क्स आपके बनेंगे उन सारे मार्क्स को एनालाइज करके मैं आपको एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है। अगर हमने किसी सैनिक स्कूल को घोड़ा खाल में हमें जाना है या हमें किसी दूसरे सैनिक स्कूल में जाना है तो लास्ट टाइम क्या कट ऑफ लगी थी, हमें कितना रिजर्वेशन मिलेगा और हमें कितने नंबर होने चाहिए, क्लियर है। तो चलिए मैं अपना यहीं पे स्टॉप करता हूँ, जय हिंद, थैंक यू। लीजिए सर, अनुप सर के लिए मैं कुछ भेंट लाया हूँ, अनुप सर जरा पहने आप, ये उन बच्चों के लिए, इतना पेपर इजी होने के बाद भी अगर किसी ने नहीं क्वेश्चन किए तो आप इससे उनके कान खींचेंगे, जरा पहन के दिखाएं जरा उन बच्चों को, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इतना इजी पेपर होने के बाद, क्लास में सब कुछ आया था और उसके बाद भी अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया है अनुज सर को, ये देखिए ये दोनों दस्ताने, उन बच्चों को कल कान खींचा जाएगा जिन्होंने उन क्वेश्चंस को नहीं किया। चले रीजनिंग कर रहे हैं, रीजनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथी हर्षित जी को थोड़ा जाना है, जरा उनका कुछ किसी को समय दिया है उन्होंने, तो उन्होंने कहा सर जरा आप पहले थोड़ा जल्दी करा दीजिए, रीजनिंग करा दीजिए ताकि मैं उसके बाद जा सकूँ, किसी से मिल सकूँ। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चंस को आगे करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस देखें, सामने देख सकते हैं आप, रीजनिंग का भी एज कम्पेयर टू जैसे कि हमने बात की इंग्लिश का क्वेश्चंस या इंग्लिश का पेपर है उतना ही ईजी हमारा रीजनिंग का भी आया था, बहुत इजी था, क्लास में पढ़ाए हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, बच्चों को बस थोड़ा प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिस हमने कराई थी उस प्रैक्टिस से बच्चों के लिए सफिशियंट था जो यहाँ पर कराया। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, उसने एक डायग्राम दिया, डायग्राम कुछ ऐसा था, उसने कहा आप बताइए कि भाई जो ये डायग्राम है इसका क्या आएगा, एनालॉजी चैप्टर था, क्वेश्चन कैसा था अगर आप देखेंगे यहाँ से दो स्थान आगे करके ये आया था, जो यहाँ पर शेडेड है यहाँ से दो स्थान आगे करके आया था, अगर हम इसे देखें और ये एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, यानी अगर हम इसे देखें ये एंटी क्लॉक वाइज दो स्थान पीछे आया था, तो ये वाला जो आ जाएगा यहाँ पर सामने आ जाएगा और यहाँ से इसके अपोजिट जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, थर्ड वाला 76 का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर इज अ पार्ट ऑफ द गिवन फिगर, उसने कहा इनमें से कौन सा शेप ऐसा है जो इस फिगर में आ जाएगा, इम्बेड फिगर का ये टॉपिक है और ये क्वेश्चंस उसी से आया हुआ है,
बहुत इजी क्वेश्चंस था कि किसमें ये छुपा हुआ है, हम इसकी बात करें ये कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन ये वाला हमें कुछ दिख जाएगा अगर हम इसे बनाते हैं तो, ये क्वेश्चंस यहां पर हमें दिख जाएगा, आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 77। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3, 4 से 6 आया है, 6, 5 से 15 आया, 7, 2 से क्या आएगा, और देखिए 6 कैसे आया जरा देख लेते हैं, क्या पता 4 और 3 जोड़ के आया होगा, 4 और 3 7 होता है, लेकिन यहां पर 6 मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, 12 का आधा 6 आएगा, 6 5 जा 30, 30 का आधा 15 आएगा, 7 2 जा 14, 14 का आधा 7 आएगा, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीडीए, नंबर्स अल्फाबेट सीरीज हमने पढ़ी थी, अल्फाबेट नंबर्स हमने कहा था कि आप अल्फाबेट नंबर्स को याद कर लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, देखिए बी का नंबर 2 होता है, डी का 4 होता है, ए का 1 होता है, 4 2 6 और 1 7 आएगा, यहां पर 3 और 1 4 और 2 5, 5 आंसर आने वाला है, फाइंड द ऑड आउट वन, आपको बता रहा था कि इनमें से कौन बाकी से अलग है, बात करें समर सीजन विंटर स्प्रिंग, समर आपका मौसम है, विंटर भी मौसम है, स्प्रिंग भी मौसम है, और मौसम मौसम खुद मौसम नहीं है, मौसम कुछ और है, तो इसका आंसर आएगा सीजन, सीजन अलग हो जाएगा, फाइंड द ऑड वन आउट, 11 का स्क्वायर 131, 99 आया, 135 आया, 143 आया, जरा हमने देखा भाई कि स्क्वायर तो एक ही आया, क्या पता ऐसे हो कि बाकी नंबर स्क्वायर है, लेकिन हमने बाकी को देखा, बाकी तो सारे फैक्टर ऑफ 11, इसमें यह मत कर देना कि भाई जो स्क्वायर है उसी को अलग कर दिया गैंग से, ऐसा नहीं होता है, पहले आपको बाकी तीन में रिलेशन देखना पड़ता है, फिर एक को उस गैंग से हटा दिया जाता है, तो इसका जो आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 11 का मल्टीप्लाई 99, 11 का ही 143 होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा 135। अगला है Choose the odd one out, B E A I K, उसने कहा कि भाई आप इनमें से अलग बताइए, तो जरा हम देखेंगे, B का नंबर 2 आता है, इसका 5 आता है, क्लास में बताया भी गया है बच्चों को, और ये क्वेश्चंस बहुत इजी सा होता है, आपको नंबर याद रखने पड़ते हैं, 2, 5, 9, 11, जे के आपका अल्फाबेट होता है, अगर इसकी हम बात करें 3, 5, 7, 9, अरे भाई ये तो दो दो का गैप है, मे भी अगले में देखते हैं, 1, 3, 5, 7, ये तो बिल्कुल गैपिंग है, यानी इसका मतलब पहले वाला ब्लैक शिप पकड़ा गया, इसका आंसर हो जाएगा बी आई के। अगला है फाइट द ऑड आउट वन, आपको बताना है कि इनमें से कौन बाकी से अलग है, अलग बाकी से कौन है, तो जरा इसे देखते हैं कौन है ऐसा। अच्छा अनुसर कह रहे हैं कि जरा ये नाखून, ये अनुसर ये फोटो खींचने वाले के नाखून है, ये क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में उसमें नहीं आ रहा है, तो सामने आपको देखना है कि कौन आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन है ऑड आउट वन, बताना है आपका कि कौन बाकी से अलग है। जरा आपने इस डायग्राम को देखा, दो क्रॉस थे इसमें, अगले वाले को भी देखा, दो लाइन क्रॉस थी, यानी क्रॉस कर रही है दो लाइन क्रॉस कर रही है, इस वाले में भी दो लाइन क्रॉस कर रही है, इसमें तो 3 लाइन आ गई, यानी यही अलग होगा बाकी से, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th, 83 का आंसर 4th हो जाएगा, 84 क्लॉक टाइम, जो घड़ी है उसका काम है समय देना, जो थर्मामीटर है उसका काम है टेम्परेचर बताना कि भाई किसी को कितना बुखार है, इस तरीके से बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, बिल्कुल सही किया हमारे बच्चों ने। अगले देखें C3L5, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि हमारे बच्चों को वाकई हंसी आई होगी, क्योंकि क्वेश्चंस उनको इतनी बार कहा है, इतने प्रैक्टिस हो गए कि वो सोच के गए थे कि पेपर का जो लेवल है काफी टफ आएगा और हम बिल्कुल टफ के लिए तैयार है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन भी आ गए। सी थ्री है, एल का बताना है, सी का नंबर 3 होता है अल्फाबेट में, एल का नंबर जे के एल, जे का नंबर 10 होता है, एल का नंबर 12 आ जाएगा, ऑप्शन 4 आंसर है। अब आता लायन डेन में होते हैं होर्स, बात करें देखिए बहुत टाइम क्या होता है कि रीजनिंग में आपका सभी से रिलेटेड आता है, आपका इंग्लिश से भी आ जाता है, जीएस से भी आता है, सभी चीजों से मिक्स करके आता है। क्वेश्चन में था कि शेर गुफा में रहता है, शेर गुफा में रहता है, अब उसने कहा कि हॉर्स बताना, हॉर्स कहां रहेगा, अब ऐसा तो नहीं कि भाई ये कहीं घूमेगा भुसेरा, अब देखो नाम जानबूझ के ऐसे दिया जाता है कि बच्चों को हंसी आए और टाइम वेस्ट हो। देखिए गौशाला भुसेरा, ये कैसा नाम है, अस्तबल बिल, अब बिल में तो आएगा नहीं, ना गौशाला में जाएगा बेचारा, हॉर्स है तो कहां पर, अस्तबल में रहेगा, अगर आप थोड़ा सा इसे हिंदी में पढ़ लेते तो ईजी रहेगा आपका, और वैसे स्टेबल को अस्तबल कहा जाता, तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd, कंप्लीट दी पैटर्न। अब देखिए ये क्वेश्चन भी क्लास में कराया, बहुत इजी सा पैटर्न है, सिर्फ थोड़ा समझना था क्योंकि डायग्राम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया था। ट्रायंगल के अंदर सर्कल आया, सर्कल के अंदर ट्रायंगल आया, अगर हम देखें तो रोम्बस के अंदर स्क्वायर टाइप का कुछ आ रहा है, अब स्क्वायर के अंदर रोम्बस आएगा तो इसका आंसर, एक मिनट देख लेते हैं, इसका आंसर स्क्वायर के अंदर रोम्बस, इसका आंसर 4 वाला आ जाएगा, क्योंकि ये आपका रोम्बस है। एक सेकेंड
इसका जो आंसर है, इसका आंसर सेकंड आ जाएगा क्योंकि ये साइड के कट है जिसके कारण इसका आंसर सेकंड वाला आ जाएगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 87 आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 88, अब देखिए अब उसने क्या कहा भाई, शरीर के जो है बॉडी पार्ट्स है उनको एक अरेंज करना आपको एक पैटर्न में। तो सबसे पहले था हैंड, फेस, हील, नी, नेक। बच्चों के पास इसलिए हिंदी इंग्लिश दिया जाता है कि अगर आपको कहीं पर थोड़ा डाउट हो रहा है किसी चीज में तो एक बार हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में साफ लिखा आ रहा है भाई हाथ, चेहरा सबसे पहले, तो सबसे पहले चेहरा आ जाएगा, उसके बाद गर्दन आ जाएगी, चेहरा आता है आप देख सकते हैं, फिर गर्दन आएगी, गर्दन के बाद अगर हम देखें ऑप्शंस, चेहरा, गर्दन, गर्दन के बाद हाथ आ जाएगा, हाथ के बाद घुटना आ जाएगा, घुटने के बाद एडी आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है सामने लिख लेते हैं सीक्वेंस से। हाँ, सबसे पहले चेहरा आएगा, बी इसका ऑप्शन बी सबसे पहले आ जाएगा, चेहरे के बाद गर्दन ई आ जाएगी, गर्दन के बाद हाथ आ जाएगा ए आ जाएगा, हाथ के बाद घुटना आ जाएगा, घुटने के बाद एडी आ जाएगी, डी सी इसका आंसर आएगा, बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी, हाँ ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा फेस का ही था। अगला क्वेश्चन है आपको मिरर इमेज बनानी, मिरर इमेज काफी क्वेश्चन है, हमने क्लास में किए थे प्रैक्टिस सेट, अनुसर ने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उससे काफी क्वेश्चन एज इट इज मिले हैं। अनुसर इंग्लिश से भी आए हैं और मैथ से भी, देखो एज इट इज आए, और हर्षितल ने तो तहलका मचाया है, वो अभी बता रहे थे कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, 25 में से 26 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन शायद से जो स्टार्टिंग में आता है ना कि यहाँ पर अपना रोल नंबर भरे, उन्होंने उसे भी काउंट कर लिया, तो एक और मिल गया हर्षित सर का। तो हर्षित सर बिल्कुल 26 ही आए हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि भाई इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो जो डायग्राम ऐसा होता है, इसकी मिरर इमेज यहाँ से ऐसी होती है, फिर जो ऐसा होता है ये ऐसा हो जाएगा, यानी हमें डायग्राम में दिख रहा है कौन सा ऐसा है जो इसी के जैसा मिलता जुलता कोई मिल गया, सी ऑप्शंस इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला देखते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म, आपको बताना था मिसिंग टर्म, डी एफ एच 468 नंबर आता है, 468, 8 के बाद यहां पर अगर हम देखें जे 10 का आता है, एल 12 का आता है, एन 14 आता है, यानी 8 के बाद 10 आया है यहां पर, यानी लास्ट नंबर से करेंगे तो यहां पर पी आर टी 16, 18, 20, 20 के बाद 22 आएगा, यानी लास्ट में आपका 22वां नंबर आएगा, 22वां आता है वी का, वी के बाद अब उसी क्रम में आएंगे, दो दो के क्रम में आएंगे, 24, 22, 24, 26, तो ये आ जाएगा वी आ जाएगा, देन एक्स आ जाएगा, जेड आएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर बताने हैं आपको, 0, 3, 15, 24। अगर मिसिंग नंबर होता है बहुत टाइम क्या होता है, इनका सम होता है, मल्टीप्लाई होता है, जरा हम देखेंगे, ये स्क्वायर रिलेटेड था, क्लास में कराया हुआ था कि स्क्वायर रिलेटेड क्या होता है कि कोई भी सीरीज ऐसे जो नंबर हैं जो स्क्वायर के आसपास आते हैं, 1 का स्क्वायर -1 0 आता है, 2 का स्क्वायर -1 3 आता है, 3 का स्क्वायर -1 यानी 9 - 1 8 आता है, आई थिंक 8 आएगा, 4 का स्क्वायर -1 15 आता है, 5 का स्क्वायर -1 यानी इसका आंसर आ जाएगा 8, 3 का स्क्वायर -1। अगला क्वेश्चन था 1, 2, 3, 4, 5, उसने क्या किया है, बीच वाले नंबर को तो ऐसे ही रखा भाई, बी सब में है, यानी डी वाला नहीं आना था, 4 तो वैसे ही कट हो गया। बहुत टाइम क्या होता है कि जब आपका आंसर सीधा सा नहीं आ रहा है तो हमें कुछ क्वेश्चंस को हटाना पड़ता है कि ऑप्शंस कैसे हट जाएगा, डी वाला तो नहीं आएगा। अगला देखते हैं, बी सेम रहेगा यहां पर, अब ये बी 3 में, अब देखते हैं उसने क्या किया, जो 1, 3 है इसको यहां पर लिख दिया और 1 को पहले लिखा है, तो यहां पर ए यहां पर आएगा और सी यहां पर आएगा, ठीक है, 4, 5 को उसने लिखा है, 4 को ऊपर लिखा है यानी डी ऊपर आ जाएगा और डी का भाई ई नीचे आ जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा बनेगा डी ई और उसके बाद ए सी बी, ऑप्शंस बी बिल्कुल सही लिखा है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला है स्कूल, कॉलेज, होटल, यूनिवर्सिटी, अब देखिए यहाँ पर होटल का क्या काम है भाई, बात चल रही है पढ़ाई की, बात चल रही है हमसे रिलेटेड, तो आंसर आएगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल अलग हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है 93 का, ये सेट बी है, आप लोग जरा क्वेश्चन में चेक भी कर ले, सेट बी है, थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा, होटल नहीं आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग, इस क्वेश्चंस को हमने कहा भी था कि बहुत टाइम क्या होता है कि क्वेश्चंस के क्रम नंबर्स के या अल्फाबेट के आगे पीछे आते हैं, आपको उनको समझ के लिखना पड़ता है और एक छोटे से पैटर्न में, जरा देखेंगे कैसे लिखा भाई क्वेश्चंस, 1, 2, 3, 4, एस का नंबर 1 था, टी का नंबर, एस का नंबर 1 है, टी का नंबर 2 है, ए का नंबर 3 है और आर का नंबर 4 है, यानी 1, 2, 3, 4 को 2, 3, 2, 4, 1 के रूप में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, इसको लिखना है 3, 2, 4 और 1,
ALNP, बिल्कुल देखो बच्चों ने बिल्कुल इसको ऐसा कर दिया भाई, आता है उन्हें, उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से इसका आंसर लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर, सीरीज चल रही है 2, 5, 10, अगला और अगला बताना है। तो जरा हम थोड़ा सा देखें, ये स्क्वायर के आसपास है भाई, देखो ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गए जो ऊपर आए स्क्वायर रिलेटेड, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, पेन उठाने की जरूरत नहीं, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 प्लस 1 17 आंसर आ जाएगा इसका, आ जाएगा ऑप्शन बी 17। हर्षित तैयार रहे हैं आप भी, इसके बाद जो आपकी कहावत है आपने कहा था उसे, 26 आए हैं मेरे 25 में से, अब बच्चों को बताएं कि भाई 26 दिखे भी हैं क्वेश्चंस में। अगला देखें, ABC, ABCC, ABB, यानी पहले एक बार तीनों अकेले अकेले, फिर एक अकेला, दूसरा अकेला, दूसरा दुकेला, फिर एक अकेला, दो दुकेले, दो दुकेले, अब क्या आने चाहिए, दोनों तीनों दुकेले दुकेले दुकेले, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4AABBC। क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखें, मिरर इमेज है, क्वेश्चंस कुछ ऐसा था कि जो शेडेड था उसको कुछ उसने मिरर इमेज लिखे, तो इसकी मिरर इमेज ऐसी बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज ये है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर तो भाई गलत, क्या इसका आंसर आ जाएगा, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा, मिरर इमेज बनेगी ये, इसकी फोर्थ वाली बनेगी, सेम क्वेश्चन में मिरर इमेज है, कंप्लीट द क्रिकेट एनालॉगी है। अरे इसने क्या कर दिया, बॉल कर दिया इसने, अरे ये तो शायद से थोड़ा कन्फ्यूजन, अब देखिए छोटे बच्चे हैं, बहुत टाइम क्या होता है कि कंपटीशन में बच्चे अभी हाल में ही आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत टाइम छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती कर लेते हैं छोटे से, नहीं तो मेहनत पर ये है कि इस टाइम बच्चों की जो मेहनत है या जो एनर्जी लेवल बच्चों का है इसी एनर्जी से रखें, तो वो दूर नहीं है कि भाई जब जल्द बच्चों को 12th से पहले ही कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में बैट होता है, क्रिकेट में बैट आपने देखा, तो हॉकी में क्या होगा, हॉकी में हर्षित जी स्टिक होगी, ऑप्शन 2, हर्षित जी खेलते हैं आप हॉकी, तो उसी का क्वेश्चन आया था, यानी आपके 27 क्वेश्चन हो गए। अगला देखें, अरेंज दी फॉलोइंग इन दी असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ईयर में बताना है भाई आपको, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, सबसे पहले देखें दिन आ गया, फिर उसके बाद सप्ताह आ गया, फिर मास आ गया, फिर वर्ष आ गया, यानी हिंदी में बात करते हैं, सबसे पहले डे आएगा, ई आएगा, ठीक है लिख लेते हैं, सबसे पहले देखिए डे आएगा, ई आ जाएगा, डी के बाद ई के बाद डी आएगा, वीक आ जाएगा, वीक के बाद मंथ आ जाएगा, मंथ के बाद ईयर आ जाएगा, ईयर के बाद सेंचुरी आ जाएगी, EDBAC, EDBAC, ऑप्शन 3 इसका आंसर आ जाएगा भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डिक्शनरी रिलेटेड, बच्चों को कहा था डिक्शनरी डिक्शनरी डिक्शनरी, फोन पे लग रहे तो फोन पे फोन बुक देख लो एक बार, फोन बुक में जो नंबर्स आते हैं, जो नाम आते हैं, एक सिस्टमेटिकल तरीके से सेव होते हैं, यानी अगर राजू पहले होगा, राजू पहले होगा तो सपोज सतीश आ गया तो आर पहले आएगा, एस बाद में आएगा, कल्लू पहले होगा तो बिल्लू उससे और पहले आ जाएगा, यानी के से पहले बी आता है तो बिल्लू भाई पहले आएंगे, कल्लू भाई बाद में आएंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ वैसे ही रिलेटेड था, फोन बुक जिसे हम कहते हैं कि भाई फोन का जो क्रम है वही डिक्शनरी का क्रम होता है, उसी क्रम में आते हैं, ए नाम वाले पहले आएंगे, बी नाम वाले पहले आएंगे, उसके बाद आएंगे, उसी टाइप से। तो सबसे पहले देखते हैं LELI, सबसे पहले LE आएंगे क्योंकि I से पहले पहले नंबर जब सेव था, सेम था LEL, उसके बाद I वाला और E में हमें चेक करना था, तो सबसे पहले E वाले आएंगे, E वाले में भी देख लेते हैं LELE, यानी ये दोनों सेम है लेकिन लेमन पहले आएगा, LEM पहले आएगा, LET बाद में आएगा, तो CA, ठीक है CA वाले ज्यादातर ऑप्शन में सी ए दिया है। अब हम चेक करते हैं LIT वाले में, LIT LIZ, ये तो सबसे लास्ट आएगा, ई सबसे लास्ट आएगा, दो क्रम में चेक करना है हमने, LIT TE वाला पहले आ जाएगा, यानी बी पहले आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा, CABDE, CABDE, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, CABDE, CABDE इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। बहुत अच्छा पेपर था, बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, हमारे जो बच्चे हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, अभी तक उनके मैसेज आ रहे हैं, एक मैसेज और आ गया कि सर बहुत अच्छा पेपर हुआ है इस बार, तो हमारा टारगेट था कि टॉप 10 की जो लिस्ट है उसमें सारे से सारे के बच्चे यहाँ के होंगे, और बहुत मेहनत हमने की है और बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत ज़्यादा। हर्षित जी जुड़ चुके हैं, हर्षित आ जाइए आप, हर्षित बच्चों को बताएं कि हाँ सर वो जो 25-26 क्वेश्चंस, 25 में 26 आए, जरा पहले मैं लगा के देता हूँ, अनु से जरा इन्हें वो लगा के दे दीजिए, नीचे से है, यहीं से है,
चलिए हर्षित, कुछ क्वेश्चंस तो आप कह रहे थे कि सर ये तो आपको भी मैं सुनाता था, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस वर्क मैन ईटर ऑफ मालगुडी। चलिए हर्षित जी जुड़ चुके हैं, लीजिए हर्षित जी। एक ही नाम सर बहुत बार याद रखने के लिए आपको बोला था कि इस नाम को याद कर लो, ये नाम जरूर आएगा और वो फेमस नाम है सर, आर के नारायण। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, आज ही आपका पेपर हुआ है, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आपका जीएस का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। एक ही नाम अभी सर क्वेश्चन पढ़ के गए हैं, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, यही नाम बहुत बार याद रखने के लिए बताया था बच्चों, आर के नारायण। इस नाम को याद कर लो, ये नाम आएगा ही आएगा, और वो नाम आ ही गया बच्चों, वो था आर के नारायण। तो पहले ही क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बच्चा, अखूंटी इज, इस क्वेश्चन को देखते ही यूपी हरियाणा के बच्चे समझ गए होंगे, अखूंटी सर ये वही खूंटा तो नहीं है जिसपे हम भैंस बांध देते हैं? हाँ बच्चों वेरी गुड, ये वही खूंटी है, इसको वही खूंटा बोलते हैं, विच इज जनरली यूज टू टाई आर कैटल्स। सो दिस ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, एन आयरन पोल टू टाई आर कैटल्स, उसी को खूंटी बोलते हैं। ये तो यूपी हरियाणा के बच्चे खुश हो गए होंगे सर क्वेश्चन देखते ही, वाह सर क्या क्वेश्चन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन द सन, आफ्टर 2 डेज द ग्लास इज एम्प्टी, वेयर डिड द वाटर गो? मैंने सूर्य के नीचे पानी रखा, 2 ग्लास पानी रख दिया, 2 दिन के बाद देखा पानी गायब हो गया। बच्चे आगे बोले कि हर तो सर पानी पी गए। नहीं बच्चा, हर तो सर ने पानी नहीं पिया है, पानी इवेपोरेट हो गया है, वॉटर इज इवेपोरेटेड। सो ऑप्शन नंबर ए। बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज, हमारी सॉइल का बेस्ट फ्रेंड किसको बोलते हैं? बेस्ट फ्रेंड इज अर्थवॉर्म। आपको पता है अर्थवॉर्म हमारी सॉइल को बहुत लूज करते हैं ताकि एयर और वाटर अच्छे से डीप हो सके, अच्छे से सीप हो सके, जिससे हमारी सॉइल को बहुत हेल्प मिलती है। सो बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज अर्थवॉर्म, दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सॉल्यूशन इज गिवन व्हेन अ पर्सन हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशन? जब भी आपको वॉमिटिंग होती है, आपको लूज मोशन होते हैं, तो जनरली आप क्या लेते हो? अभी हमारे सर बता रहे हैं कि इसको ओआरएस बोलते हैं। हाँ सर ओआरएस ही लेते हैं। ओआरएस में जनरली क्या होता है सर? सोल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन ही होता है जिसको हम ओआरएस बोलते हैं, और वही जनरली लिया जाता है जब आपको वॉमिटिंग फील हो रही हो, आपको लूज मोशन हो रहे हो, तो ये आपको सजेशन है, यही लीजिएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? हम खाना बचाने के लिए किस चीज का जनरली यूज नहीं करते हैं? दैट इज सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग। खाने में चीनी या फिर आप नमक डाल के सोचो कि वो प्रिजर्व हो जाएगा? नो, दिस विल कॉज इट टू ड्राई, उसको खराब कर दोगे आप। विच लीव्स कैन बी कैप्ट इन अ बॉक्स टू प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स? आपने बहुत बार देखा होगा आपकी मदर्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, जब भी कपड़ों की सेफ्टी के लिए, जैसे अभी सर्दियां खत्म होने वाली हैं, उसमें नीम का पत्ता रख देते हैं बच्चों। दिस इज नीम लीफ विच इज कैप्ट इन आर क्लोथ्स टू कैप्ट इट, टू कीप इट प्रोटेक्ट, टू कीप इट सेफ फ्रॉम आर इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन विद वॉटर दैट हैज बीन यूज वंस? अगर आपने एक पानी को एक बार यूज कर लिया है तो उसके साथ क्या यूज नहीं कर सकते बच्चा? आप उसको पानी को दोबारा कैसे यूज नहीं कर सकते हो? बहुत कॉमन सेंस है, उस पानी से आप दोबारा अपने फेस को, अपने हाथों को, अपनी बॉडी को वॉश नहीं करोगे, आपकी बॉडी उससे खराब हो सकती है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर? आपने बहुत बार देखा होगा जब भी आपको फीवर होता है, आप बुखार हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हो, तो सबसे पहले डॉक्टर आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके मुंह में एक छोटा सा डिवाइस देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दिस इज थर्मोमीटर। असल में क्या है, उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर नोट करें कि आपकी बॉडी में कहीं फीवर तो नहीं है, आप बीमार तो नहीं हो। दिस इज थर्मोमीटर, जिससे हम अपनी बॉडी का तापमान चेक करते हैं। क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील प्लेस इन द सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग? 26 जनवरी अभी गया है, सबने राष्ट्रीय ध्वज फहरा लिया, जिसने नोट किया होगा, जिसने ध्यान दिया होगा कि उसके बीच में जो हमारा ट्राइकलर है, उसके बीच में जो एक सर्कल है, आपको राउंड व्हील दिखता है, उसमें कितने स्पोक्स होते हैं? दे आर 24 स्पोक्स इन द मिडिल, 24। सो दिस इज ऑप्शन बी। हु रोट रामायणा? राम मंदिर तो सबने देख लिया, राम की कहानी सबने सुन ली, पर किसी ने ये जरूर सुना होगा कि उसको लिखा किसने था? वो थे हमारे महर्षि वाल्मीकि। सो ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक किया बच्चों ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? ऐसा रिसोर्स जिसको बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हो, उसकी मात्रा आपके लिए एक फिक्स है, वो खत्म हो गई तो आप गए। तो ये क्या है? दिस इज पेट्रोल, विंड, बायोगैस, सोलर। हवा कितनी यूज कर लो बच्चा, कि आपको उसको हवा का कभी डर लगता है कि हवा खत्म हो जाएगी? नहीं। तो दिस इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से खत्म क्या हो सकता है? दिस इज पेट्रोल, ओनली इन अ लिमिटेड क्वांटिटी।
इन जम्मू एंड कश्मीर व्हाट डज याखिनी रेफर टू। जम्मू कश्मीर के बच्चे खुश हो गए होंगे सर, क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन पेपर के बीच में भूख लग गई। याखिनी क्या है? एक नॉन वेजिटेरियन डिश होती है जम्मू कश्मीर में, जिसको बहुत चाव से खाया जाता है। दिस इज ऑप्शन बी, अ नॉन वेजिटेरियन डिश। टेडपोल इज इन द लार्वल एज ऑफ विच एनिमल? टेडपोल किस जानवर के बच्चे को बोलते हैं? सब बच्चे बता देंगे, दिस इज अ फ्रॉग एंड टॉड, उन्हीं के बच्चों को क्या बोलते हैं हम? टेडपोल्स। सो दिस इज ऑप्शन सी, फ्रॉग। बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। कितनी हम हर एक का एरिया ऑफ विजन बहुत लिमिटेड होता है। सो जो काइट्स हैं, जो ईगल्स हैं, वो कितनी दूर से किसी भी चीज को, किसी भी चीज से भाप जाते हैं? दिस इज 8 meters। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ एल्डेस्ट ब्रदर अमंग पांडवास? अब कोई महाभारत देख के आया, सबने कहा कि आपस में लड़ाई हो रही है, दो भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो कुछ बच्चे सोचेंगे करण आंसर होगा, क्योंकि बाद में उनकी मम्मी है वो कुंती जो राजमाता थी वो बताती है कि वो तुम्हारा एल्डर ब्रदर है। बट तो बच्चे डाउट में आ गए, तो सर बताओ उसका युधिष्ठिर लगाएं या कर्ण लगाएं? तो नहीं बच्चा, आंसर युधिष्ठिर है। जब हम कर्ण की बात करते हैं, वो कौनते हैं, तो हो सकते हैं ही वॉज द वन ऑफ द एल्डर सन ऑफ कौंती, कुंती द राजमाता, बट वो कभी पांडव नहीं बन पाए। पांडव वॉज वन ऑफ द, पांडव उस कैटेगरी को बोलते हैं जो पांडव के चार भाई, जिन्होंने अपने पांच भाई जो राजवंश में आगे चलते रहे। तो दिस इज बी ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। बिहू डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? आप सभी को एक लिस्ट दी गई थी, डांस फॉर्म्स लिखा था अपोजिट टू द स्टेट, कौन कौन से स्टेट में यूज होते हैं। तो बिहू डांस कहां का था बच्चा? असम का। वाहिदा प्रिज्म, लेफ्टिनेंट कमांडर इन द इंडियन नेवी इज व्हाट टाइप ऑफ अ प्रोफेशनल? वो क्या काम करती थी? आपको पता है वाहिदा प्रिज्म 2006 में जो एनुअल कमांड को पुणे में कमांड करने वाली पहली वुमेन ऑफिसर बनी थी, और वो क्या थी? वो एक नेवल सर्जन है बच्चों। नेवल सर्जन ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऑप्शन ए, ऑप्शन डॉक्टर बी लगा सकते हैं। क्वेश्चन इज, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स हेल्ड इन 2023? 2023 में एशियन गेम्स हुए बच्चा, टोटल 107 का टैली हमारे पास था, जिसमें से गोल्ड मेडल कितने थे? 28। वी हैव अ टोटल ऑफ 28 गोल्ड मेडल्स, ऑप्शन नंबर ए। विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर व्हाइल वार्निंग अदर्स ऑफ डेंजर? जब भी आपको आपके एरिया में, जंगल में कभी भी किसी लंगूर को अपने आप से डर लगता है, तो वो अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाने का, फ्रेंड सर्कल को अलर्ट करता है, अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, बाकी बंदरों को बुलाता है। तो वो क्या करते हैं? वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, एक साउंड सिग्नल दूसरे के पास भेजते हैं, ताकि हमारे पास आओ, हेल्प करो हमारी। तो दिस विल बी साउंड, ऑप्शन बी। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल? आपने कभी सोचा होगा कि एक चींटी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में कैसे चल पड़ती है, बिल्कुल एक के पीछे एक के पीछे एक? तो एक जो स्ट्रॉन्ग सेंस होती है उनमें, वो किसकी होती है? स्मेल की बच्चों, ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से फॉलो कर पाए। तो दिस विल बी ऑप्शन बी, आंट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 122, वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम? अब आप सब सोच रहे होंगे, तो सभी हमारी हमारी बॉडी को एनर्जी पैड करते हैं, सभी हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं, बट आपको बता दूं सबसे ज्यादा हमारे जो हम डेली वर्क काम करते हैं, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, क्रैब्स, ये सब हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। बट डे टू डे रूटीन का जो हमें एनर्जी मिलती है फूड की, वो किससे मिलती है? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन 123, चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द माउंटेन्स? बिकॉज प्लेन्स के बच्चे जब पहाड़ों में जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत किस लिए होती है चलने में? अब ऑप्शन को देखो आप, ऑप्शन पहला है दे आर लेजी, वो बहुत आलसी हैं। अगर आलसी होते तो वो प्लेन्स में भी उनको दिक्कत होती, उनको माउंटेन एरिया में भी दिक्कत होती, बट अब वो प्लेन में गए, वो पहले ठीक थे, अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वाई? तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, द पाथ्स आर वेरी स्मूथ। अब पाथ का क्या लेना देना, पाथ अगर चाहे प्लेन में हो चाहे माउंटेन पे हो, अगर आप लेजी हो, आप अनइवन हो, तो आप वहां पर काम नहीं कर पाओगे। तो दिस इज बी ऑप्शन बी, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। वहां के पाथ कैसा है, रास्ता कैसा है? बहुत पथरीला एरिया है, बहुत अनइवन है, तो उनको क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन इज, वेयर इज चार मीनार सिचुएटेड? हैदराबाद के बच्चे खुश हो गए, सर हमने तो देखा भी है, तो हम कैसे भूल जाएंगे कि चार मीनार हमारे ही शहर में है? तो दिस विल बी हैदराबाद, कभी हैदराबाद तो चार मीनार जरूर घूम के आना बच्चों। दिस इज, अर्थ टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन? अब देखते ही 365 दिन नहीं बच्चों, जो हर चौथे साल एक लीप ईयर में आप एक दिन एक्स्ट्रा मनाते हो, वो कहां से आया? क्योंकि हर साल 1/4 डे ऐड हो रहा है उसमें, तो तभी तो चार साल बाद वो एक दिन बन के आया। तो ऑप्शन विल बी क्वेश्चन नंबर 2, 365 एंड वरेना बाय 4 डेज। तो इसी के साथ हमारा जीएस का ऑप्शन खत्म होता है, पोर्शन खत्म होता है, और आप हरतोष सर को जरूर बताना कि सर हमारे 25 में से 26 क्वेश्चन आ गए। तो हरतोष सर अभी आप मैथ्स के लिए आपके पास फिर से आएंगे आपके साथ। तो हरतोष सर कैसा लगा आपको? कितने 26 आ गए, बिल्कुल अर्जित, देखो
हर्षित जो आप कह रहे थे ना, देखिए कौन सा वाला, हर्षित कह रहा कि कौन सा 26वां है। हर्षित ने कहा था कि सबसे पहले, हर्षित सर ने कहा था सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट आएगा आपके पेपर में, और देखो बिल्कुल आ रखा है हर्षित जी, और यही वो 26वां क्वेश्चन था। बच्चे ढूंढ रहे थे सर क्वेश्चन तो जीएस के 25 आए, वो 26वां कौन सा है, तो मैं भी शॉक्ड हो गया। हर्षित जी ने कहा कि 26 आए सर, अरे मैंने कहा 26 कहाँ से, तो शायद से हर्षित जी ने बच्चों को सारी स्ट्रेटेजी बताई आपको कहाँ से क्या करना है। चलिए वापिस मैथ से स्टार्ट करते हैं। अब हर्षित जी आप जा सकते हैं, आपने किसी को समय दिया है, रुकेंगे नहीं हम आपको, समय बड़ा कीमती है और समय से कीमती वो लोग जिनको आपने समय दिया है। चलिए मैथ्स को स्टार्ट करते हैं वापस, कहाँ पर हम आ चुके हैं, रीजनिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। देखिए मैथ्स और रीजनिंग का हमें से वेटेज ज़्यादा होता है, और मैथ्स दिया भी इसलिए जाता है क्योंकि भाई इस उम्र में अगर हम बच्चे की बात करें, 5th 6th का बच्चा जो है जो सैनिक का पेपर दे रहा है, तो उसके लिए मैथ्स स्टार्टिंग फेज में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो बच्चों को यहीं पर सिखाया जाता है सैनिक स्कूल में, बच्चों को लेने का वही होता है कि भाई आपको फेस करना चाहिए डिफिकल्टीज़ को, इसीलिए मैथ्स रखा जाता है कि क्वेश्चन आए ना आपको अटैम्प्ट करना है। और मैथ्स ही वो पोर्शन होता है कि अगर आप अटैम्प्ट करते हैं उसे, क्वेश्चन को टाइम देते हैं, तो आपका जो सॉल्यूशंस है वो सही होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए क्वेश्चन है, सबसे पहले दी गई आकृति में से कौन कोणों की माप समकोण के बराबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन द गिवन एंगल फिगर इज इक्वल टू राइट एंगल। वो कह रहा राइट एंगल के बराबर बताइए, तो राइट एंगल के बराबर अगर हम बात करें, डी आपका राइट एंगल है, डायग्राम को अगर हम देखें डी आपका राइट एंगल है, ए राइट एंगल है, बी राइट एंगल है, जी राइट एंगल है, जी भी है, एफ की बात करें एफ राइट एंगल, एफ राइट एंगल नहीं है। तो ऑप्शन में से जो उसने दिया है अगर हम बात करें, यहाँ पर एफ राइट एंगल नहीं आएगा, और दूसरा ई वाला भी राइट एंगल नहीं आएगा, तो ऑप्शन फोर नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। सी की हम बात करें, सी कहाँ पर है, सी भी राइट एंगल नहीं, ई एंड सी ओनली इक्वल टू द थ्री राइट एंगल। अच्छा उसने कहा भाई इनमें से कौन ऐसे हैं कोणों की माप तीन समकोण के बराबर है, 270 के बराबर है, तो ई वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए 90 और 90 का अपोजिट हमने पढ़ा है। यहां पर क्वेश्चंस को मैं बता देता हूं क्वेश्चंस किस टाइप के थे। देखिए क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट है, इसमें ये वाला एंगल अगर कुछ भी है तो इस पूरे का सम 360 होता है। अगर हम बात करें ये 90 है, तो इस पूरे का सम 90 प्लस जो बाहर का है उसका सम 360 होना चाहिए, अंदर वाला 90 है तो E वाला 370। उसने कहा तीन राइट एंगल, कर तीन राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90, 270। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस कोण का प्रकार बताइए जिसकी माप 146 तथा 42 के दो कोणों के अंतर से 26 अधिक है, यानी इन दोनों के अंतर से 26 अधिक है। सबसे पहले इनका अंतर निकाल लेंगे। उसने कहा जो एंगल है उसे बताइए, नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 26 मोर देन, यानी जो भी इनका डिफरेंस आएगा उससे 26 ज्यादा होना चाहिए। होगा क्या वो देखना है, डिफरेंस किसका है, 146 माइनस 82, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 14 में से गया 64 प्लस 26, 6 और 4 10 का 0 पहले 6 2 8 1 9, ये तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री उसने कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन 90 को ही तो समकोण कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये हमारा बी पोर्शन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, और सॉरी मैथ्स के स्टार्ट है, मैथ्स के 31 से स्टार्ट है। आई थिंक थोड़ा और पहले, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और हमने कुछ मिस कर दिया, बिल्कुल थोड़ा और क्वेश्चन हमने मिस कर दिया। वाह 26 से स्टार्ट है, स्टार्टिंग में इंग्लिश के थे, 26 से स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन जो कर लिए हैं वो आप उनको टिक करेंगे, अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है, हर्षित जी की बातों में मैं इतना मशगूल हो गया कि भूल गया कि क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है, 30 से तो बनेगा नहीं, 25 इंग्लिश के क्वेश्चन है उनकी जीएस का, और मैं भी वही समझा, क्या पता 26 की जगह 30 क्वेश्चन आए उनके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2.6 और 3 केजी 700 ग्राम, यानी आपको जोड़ना है 2.6 और 3 केजी 700 ग्राम का मतलब यह है 7 6 13 3 बैलेंस 6 किलो 300 ग्राम जिसे हम लिख सकते हैं, ऑप्शन ए आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन देखें, दिस साइड ऑफ द क्यूब फॉर्म बाय मेल्टिंग अ सॉलिड क्यूबॉइड विद द डायमेंशन 3। उसने कहा भाई एक क्यूब है, क्यूब बनाना है आपको। क्यूब क्या होता है कि ऐसा डायग्राम जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, उसे हम कहते हैं। उसने कहा डायमेंशन ये क्यूबॉइड से बनाना है, ऐसा समझे सपोज मेरे पास 10 किलो का एक क्यूबॉइड है, दो दो किलो के मुझे क्यूब बनाने हैं, तो कितने बनेंगे,
2 किलो का भाई 5 बन जाएंगे। तो वैसे क्या होता है कि इस पूरे का वॉल्यूम अपॉन क्यूब का वॉल्यूम, जरा देखते हैं क्यूब वाइड का वॉल्यूम, और जो क्यूब होती है उसकी सारी साइड बराबर आएंगी, तो ये हो जाएगा 3 × 8 × 9, 72 × 3, 3 × 6, 7 × 3 = 21, 216। यानी एक ऐसा नंबर आपको बताता है, और क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट बराबर 216, एक्स स्क्वायर बराबर 200, एक्स क्यूब बराबर 216, यानी एक्स बराबर 6। उसने कहा उसका क्या बताना, डायमेंशन क्यूब का फॉर्मेटिंग बाय साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब की साइड बतानी है, तो एक्स 6 हो जाएगी और वही उसकी साइड हो जाएगी, ऑप्शन ए आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। 8 छोटे घन जिनमें से प्रत्येक का किनारा 2 सेंटीमीटर, एक बड़ा घन बनाया गया। देखिए घन बनाया गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा आप समझते, घन बनाया गया तो उसने कहा उस घन का आयतन बताइए, तो घन का आयतन आपका मैक्सिमम एक कंप्लीट नंबर आता है, और यहां पर कंप्लीट नंबर है वो 64 है, यानी क्यूब जिसका हम क्यूब रूट निकाल सके, तो 4 × 4 × इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, आपको करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, उसने कहा 420 संतरों की कीमत 2520 है, तो 8 दर्जन का मतलब होता है 96। सिंपल आपका मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की हेल्प से क्वेश्चन को देखना था और हमें करना था, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यूजेस होना था। उसने कहा 420 संतरों की कीमत है 2520, 420 संतरे, यानी एक की कीमत जरा हम देखते हैं, 7 × 6 = 42, 7 × 3 = 21, 7 × 6 = 42, 6, यानी एक संतरा 6 रुपए का आ गया, एक संतरा 6 रुपए का है, तो 8 दर्जन बनाने, 8 दर्जन का मतलब होता है 12 × 96, यानी 96 संतरों की कीमत बताइए, 6 × 36 का 6 बैलेंस 3, 9 × 6 = 54 और 3 × 57 576। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, नॉर्मल आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 16 बैग 500 1520 के 3 को, सेम वही क्वेश्चन आप लोग करेंगे इसका आंसर, और देखिए मैं इसका आंसर भी बता देता हूं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का बहुत ईजी है, चलिए मैं करा ही देता हूं, नहीं तो फिर हर्षित सर बाद में देखेंगे वीडियो, अरे सर आपने तो पूरे क्वेश्चंस नहीं कराए और मैं था नहीं वहाँ पर। हर्षित सर हमारे बड़े प्रिय टीचर हैं, बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। 16 बैग की कीमत है 1520, ठीक है, उसने कहा 3 कोस, 3 बैग के बताने, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 16 से काट देते, 16 × 16 = 1520, 16 हमें 144, 8, 16 × 5 = 80, और 95 × 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 बेचारा यहाँ अभी देख रहा है कि मेरा कुछ काम आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल काम आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 × 3 = 15 का 5 बैलेंस, और 9 × 3 = 27, 21, 285। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका आंसर, 30 का हो गया, 31 हमने कर दिया है, 32 भी कर दिया है। टू एंगल्स ऑफ ट्रेंगल आर 40 and 50 degrees, नेम ऑफ द ट्रेंगल बेस ऑन द साइड्स एंड एंगल्स। उसने कहा दो एंगल है किसी भी ट्रेंगल है, कोई ट्रेंगल है 40 और 50 है, वो कह रहा उसका नाम बताइए, ये बताइए, उसने कहा उनके रिश्तेदारों के नाम भी बताइए, क्या क्या हो जाएंगे, तो जरा देख लेते हैं। दो एंगल है 40 और 50, अगर ये 40 50 है तो तीसरा इसका भाई 90 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, क्लास में बहुत बार बताया गया, बहुत ही बार। उसने कहा बताओ भाई ये कैसे होगा, साइड तीनों की अलग अलग आएगी, बिल्कुल आएगी, साइड अलग का हमने कहा भी था भाई, ई से होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, आई से ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर, तीसरी अलग, और स्केलन बिल्कुल सांप की तरह किसी से ना मिलेगा ना ढुलेगा, बिल्कुल अलग, पूछ अलग, सर अलग, फन अलग, बिल्कुल तीनों अलग, तो ये हो जाएगा स्केलन जिसकी तीनों साइड बराबर आती है, तो स्केलन हो जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए ये थे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, उसके बाद लेफ्ट से बाईं तरफ से तीसरा बनाना था। असेंडिंग ऑर्डर आपको बताया, बहुत टाइम कंफ्यूजन रहता है, हिंदी में पढ़ेंगे और कन्फ्यूजन, आरोही अवरोही, तो उसको कन्फ्यूजन को ना करते हुए, असेंडिंग होता क्या है, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और असेंडिंग का ए पकड़ेंगे, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, ए छोटा भाई, उसका बड़ा भाई बी, बी का बड़ा भाई सी और डी। डिसेंडिंग का वैसे उल्टा हो जाता है, डी सी बी ए, यानी बड़ा भाई सबसे फिर छोटा,
उससे छोटा उससे छोटा, यानी ये असेंडिंग है, यानी ये छोटे से बढ़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए 2/3, 5/6 तो आपको क्लास में बताया था, आप क्या करें 6 to 12, 5 to 12, 5 to 3 to 15 सबसे छोटा ढूंढे, तो इन दोनों में तो ये छोटा आ गया, 8 to 16, 7 to 21 यही छोटा आ गया, 14 to 28, 9 to 27 यही सबसे छोटा है 2/3, इसकी वैल्यू खत्म। चाहे तो हम डिवाइड मेथड भी कर सकते हैं, मेन टाइम का है, आप आराम से इस मेथड से भी करें उतना टाइम लगेगा जितना बाकी से है। अगला देखते हैं 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, ठीक है 14 7 जा 98, 9 8 जा 72, तो पहले 5/6 आएगा, इसको कंपेयर कर लेते हैं, 14 5 जा 70, 9 6 जा 72 यही आ जाएगा 5/6, फिर आ जाएगा 14 7 जा 98, 9 8 जा 72, तो ये वाला छोटा हो जाएगा 9/14, 7/8, उसने कहा लेफ्ट से थर्ड कौन आ जाएगा, तो इसका आंसर 9/14 आ जाएगा, बाकी चेक कर लेंगे आप। मेन आपका कैलकुलेशंस का है कि थोड़ा कैलकुलेशन एग्जामिनर देता है ताकि आपको क्या है थोड़ा सा टाइम लगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ये हमारा जो सेट है ये सेट बी है, क्वेश्चन नंबर 34 चलिए, हाँ सेट बी चल रहा है, अरेंज विभिन्न को अवरोही क्रम में, जैसे अरोही बताया है वैसे आपको अवरोही करना है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर मैं बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा समय का भी है, और इसका आंसर हो जाएगा 35 का आंसर डी हो जाएगा, 2/11, 2/9, 2/7, 2/5। हर्षित आई थिंक दूसरा वाला पेपर, हर्षित ये बच्चे का किसका पेपर है, दूसरा एक पेपर है, दूसरा एक पेपर होगा ना, चला दिखा रहा मुझे, बच्चों ने बहुत सारे गलत सेलेक्ट किए हैं। हाँ 35 का डी हो जाएगा, 35 का डी आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2/11, 2/9, 2/7, 2/5, बाकी वही मेथड है, चेक करना है आपको 9 to 18, 11 to 22, यानी इससे बड़ा ये है, 7 to 14, 9 to 18, इससे बड़ा ये है, 5 to 10, 7 to 14, यानी यही क्रम है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, तो 9 to 18, 11 to 22, ये सबसे बड़ा हो जाएगा 2/11, उसके बाद 2/9, 2/7, 2/11, जैसे पहला मेथड है वही अप्लाई किया है। अगला क्वेश्चन द लार्जेस्ट अमंग द फ्रैक्शन, इन सब में सबसे बड़ा बताना है, तो वही मेथड जैसा सबसे पहले वाले क्वेश्चंस में, इसको भी करा ही देते हैं। देखिए तीन क्वेश्चन एक जैसे, फ्रैक्शन से रिलेटेड, सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा देख लेते हैं। उसने कहा भाई इनमें से बताइए कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 11 5 जा 55, 9 4 जा 36, ये तो नहीं होने का, 12 5 जा 60, 9 7 जा 63, ये भी गया क्योंकि 12 5 जा 60 था, 9 7 जा 63, ये बड़ा आ गया, इसको चेक करना है 7/12 और बचे हैं ये 13, तो 12 6 जा 72, ये तो कम ही आएगा, और 13 7 जा 91, ये आ जाएगा सबसे बड़ा 7/12, 7/12 ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं व्हाट शुड बी एडेड टू 5/13 टू गेट, उसने कहा भाई 5/13 में आप क्या जोड़े कि आंसर आ जाएगा 13/15, ठीक है 5/13 में हम क्या जोड़े कि आंसर 13/5 आ जाएगा, x बराबर 13/5 - 5/13, 13 इधर जाएगा 169 और 5 उधर जाएगा दूसरी गैंग में 25/65, तो ये हो जाएगा 169 - 25, 144/65 ऑप्शन सी थर्ड आंसर आ जाएगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत है, आंसर की में बोनस रहेगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन था भाई तीन अलग अलग टुकड़े हैं कपड़े के आपको लेने हैं, उसने कहा बताइए कि भाई आपको सबसे छोटे में क्या करना पड़ेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है हम एचसीएफ निकालते हैं, 7 मीटर, 7.5 मीटर और 9.5 मीटर का एचसीएफ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7/5 और 9.5, एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ इसको हम लिख सकते हैं 7, ये हो जाएगा 15/2, 19/2, तो एचसीएफ मेथड कहता है कि कभी भी फ्रैक्शन में अगर एचसीएफ है तो सबसे पहले ऊपर वालों को एक साथ लिखें 7, 15, 19 और नीचे वालों को एक साथ लिखें 1, 2, 2, ऊपर वालों का वही निकालना है जो पूछ रहा है एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, तो इनका एचसीएफ तो 1 आ जाएगा और एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा, हाँ 2, 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5 से अब क्या होता है इसको थोड़ा सा ऐसा समझे, जैसे मैंने कहा भाई 3 और 4 मीटर का कपड़ा है, मुझे सबसे छोटे टुकड़े करने हैं प्रॉपर बन जाए, और कितने टुकड़े बनेंगे तो हम क्या करेंगे एक एक मीटर के बन जाएंगे, एक एक मीटर के प्रॉपर, तो वैसे ये था आधा आधा मीटर का, तो इसका जो आंसर है भाई आधा आधा मीटर के बनेंगे, 7 के 14 बनेंगे, 7.5 के लगभग
आपके 15 बनेंगे, 9.5 के 19 आपके बनेंगे, तो ऐसे ही आप करेंगे, इसका आंसर 48 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है। इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 48 आएगा, आप चेक कर लें आंसर की जब आएगी तो वहां पर आपको बोनस मिल जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 50 and 125, सिंपल सा क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, आप सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आ जाएगा 150 into 25 डिवाइडेड बाय 75 टू जा 50 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर 50 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, तो एक नंबर डिवाइड करेगा आंसर आ जाएगा 50। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक मेज को एक कुर्सी पर 1900 में, देखिए क्या हुआ, एक कुर्सी 1900 और मेज 600 का, यानी 2500 रुपए उसके खर्च हो गए, उसने दोनों वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा, यानी 2500 का 15% और आपको जोड़ना है और उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। उसने कहा टोटल उसने 1900 की एक चेयर और 600 में एक कुर्सी खरीदी, यानी जो भी है मेज खरीदा, 2500 को उसका सामान पड़ा, उसने कहा 15% प्रॉफिट चाहिए भाई, उसे 15% का प्रॉफिट, 25 × 125 का 5 12, 25 × 25 और 12 37, यानी उसे 375 का प्रॉफिट चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2500 + 375 7 5 3 8 285। कैलकुलेशंस थोड़ा सा फास्ट रखनी थी, लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था, हमारे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जब वो चेहरे उनके देखे कि सर क्लास का था, बस थोड़ा टाइम टेकन हुआ, बाकी अच्छा क्वेश्चन था एज कम्पेयर टू आरएमएस। खैर आरएमएस से तो इजी आना था, लेकिन इतना भी इजी नहीं आना था। किसी परीक्षा में दिव्या ने 400 अंकों में से 304 प्राप्त किए, प्रतिशत बताइए 340, उसने कहा बताइए, तो प्रतिशत का सीधा सा फॉर्मूला, उसने कहा 340 400 का कितना प्रतिशत इंटू 100, 4 से डिवाइड, 9 × 4 = 36 नहीं हो जाएगा, 8 से करेंगे, 8 × 4 = 32, 5 बच जाएगा और 5 का जो आंसर आ जाएगा, 5 का आंसर, हर्षित जी जरा वो देखा आपने पेन आप ही के पास है, जरा देने, ये थोड़ा जरा चल नहीं रहा है इसका जो है ना, नहीं नहीं ये वाला नहीं, अरे जो बोल्ड पे लिखने वाला है, अच्छा अनुसर के पास, अनुसर दे दीजिए इधर, थोड़ा स्मूथ नहीं चल रहा है उससे कैलकुलेशंस में। चलिए देखिए क्या है, उसने कहा 340 400 का कितना प्रतिशत है बताना है आपको, 4 से डिवाइड करेंगे 82 बार जाएगा, 20 बच जाएगा, 5 85% है, ऑप्शन सी डी इसका आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था, परसेंटेज का क्लास में पढ़ाया हुआ है। द नंबर हुज 20% इज इक्वल टू 20 इज, उसने कहा एक नंबर का 20% 10 है, आपको बताना वो नंबर है क्या, उस नंबर की वैल्यू क्या है, तो डायरेक्टली हमने बताया था या तो x का 20% निकाले, या 20% बराबर 10, 1% बराबर 10 बाई 20, 100% बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5, 50 हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, 46% ऑफ अ नंबर इज 115, देन सेम उसी तरह है, 46% की वैल्यू 115 है, आपको बताना है कि उस नंबर का 150 क्या आ जाएगा, तो इसका जो आंसर है मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, क्योंकि जैसा पहला क्वेश्चन है वैसे ही इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 375, 46% बराबर 115, 1% की वैल्यू 100% की निकाल देंगे, और जो 100% आ जाएगी उसने कहा 150 निकालिए, तो 100 का 50 निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ऑप्शंस डी इसका आ जाएगा 375। अगला क्वेश्चंस, धातु की एक छड़ अब मेटलिक रॉड वाज हीटेड टू अ टेंपरेचर, उसने कहा 120 है, सबसे पहले इसका तापमान 34 डिग्री घट गया और फिर 45 डिग्री बढ़ गया, यानी डायरेक्टली अगर हम देखें 11 बढ़ गया इसका टेम्परेचर, 120 हो गया 131, यानी अगर आप पेन में ना उठाएं इसका आंसर आएगा थर्ड 131। एक बर्तन को 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया गया, उसने कहा इसको फारेनहाइट में बताइए, बर्तन का फारेनहाइट फॉर्मूला आपको बताया होता है क्वेश्चंस का, और इसका जो आंसर आएगा दैट इज ये होता है सी इंटू 9/5 ब्रैकेट में प्लस 32, तो आंसर 143.6 है, आप फॉर्मूला लगा के उसका आंसर कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ए वाला, आंसर ए आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वृत्त का आधा भाग, वृत्त का आधा भाग उसने कहा सूची एक को दो से मिलाइए, और इसने यहां भी दे रखा है ऑप्शंस में दे रखे हैं, जरा थोड़ा सा देखें, वृत्त का आधा भाग अगर हम देखें ये होता है अर्धवृत्त, बिल्कुल सही है, यानी ए का थर्ड आ जाएगा, ठीक है ए और बी में सही है। अब देखते हैं बी क्लियर कर देगा भाई कौन सा आएगा, बी वृत्त की सबसे लंबी जीवा डायमीटर होती है, सबसे बड़ी चीज और जिसको हम कहते हैं व्यास, यानी बी का वन आएगा, तो इसका आंसर ए आएगा, बिल्कुल सही,
ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का वृत्त के दो समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड, तो इसका आंसर आ जाता है वृत्त का केंद्र, और उसका डी का फोर्थ आ जाएगा त्रिज्या आएगा, वृत्त के सभी व्यास पर एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, सभी व्यास, वृत्त के सभी व्यास एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं जी, ठीक है, इसका आंसर वही आ जाएगा क्योंकि बाकी हमने दो देख लिया, बाकी सही हो जाएंगे वही। क्वेश्चन नंबर 14, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसने कहा ओ तो सेंटर है, ए बी बराबर 8 है, ए बी उसने कहा 8 है, देन द लेंथ ऑफ ओपी, देखिए क्या है, ये अगर डायमीटर है तो इसका हाफ रेडियस हो जाएगा, ए बी अगर 8 है तो ए ओ 4 हो जाएगा, यहां से यहां तक भी 4 हो जाएगा, ओपी भी 4 हो जाएगा, ऑप्शंस बी बिल्कुल सही है, 4 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा कोशिश करेंगे आप, थोड़ा जरा डायरेक्टली आंसर्स पे हम करेंगे कि भाई डायरेक्टली आंसर बताएं, बाकी थोड़ा समझे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी उन बच्चों ने तो बहुत अच्छा किया है, यानी थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा पेपर था। अगला क्वेश्चन, जसपाल ने एक पुरानी कुर्सी 1/18 में खरीदी, 7,000 रखरखाव पर खर्च किया, देखिए क्या होता है, सपोज मैंने अगर 10 रुपए की कोई चीज खरीदी उसमें मैंने कुछ इन्वेस्ट किया तो मेरा ही खर्चा बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 1/18 और 7 यानी 1,25,000, और 1:40 में बेची यानी 1,25,000 में उसे 15,000 का फायदा, उसने कहा प्रतिशत में बताइए प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी उसको जो सामान है 1,25,000 का पड़ा और उसने बेच दी 1,40,000 में, यानी उसे 15,000 का फायदा हुआ, और प्रॉफिट लॉस हर समय होता है किसमें, सीपी में, इनटू 100, 20 से 20, 10 से 10 कट जाएगा, 25 से 1 कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 5 बार, और ये कट जाएगा 6 बार, 25 से 160, 12% का प्रॉफिट, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ ये थोड़ा बच्चों के लिए क्वेश्चंस इजी था लेकिन समझ, क्वेश्चंस को लिखा कुछ ऐसे कि बच्चों में थोड़ा जरा हो गया कि भाई ये क्वेश्चंस कहां से आ गया, ये क्या आ गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चंस था, इसको हम कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं जो एग्जाम में होने भी चाहिए बच्चों को चेक करने के लिए कि भाई बच्चों का आईक्यू लेवल, ऐसा तो नहीं कि सीधे सीधे क्वेश्चन ही कर पाता, थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस था। समकोण के 10वें भाग, समकोण यानी 90 का 10वां भाग कितना होता है, 9 के पूरा कोण के समकोण, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/9 यानी 1/9 हो जाएगा 9, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा कितना, 9 का कॉम्प्लीमेंट्री, आपको बताया भी था सी और एस होता है, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, जिस भी एंगल का सम 90 डिग्री, छोटा है सी, एस बड़ा है 180 डिग्री, दो एंगल होते ना कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री, दो एंगल का सम 180 डिग्री, सी वाला कॉम्प्लीमेंट्री छोटा 90 और डी वाला आपका, एस वाला आपका सप्लीमेंट्री। उसने कहा कि समकोण के 1/10 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री तो 81 हो गया, इसका सप्लीमेंट्री यानी कोई ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाएगा तो 99 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 1 10 का 0 पहले, 9 1 17 18, 180 आंसर आ जाएगा, 99 इसका आंसर आ जाएगा, 49 का आंसर। किसी समकोण के आधे के तिगुने का समपूरक दी सप्लीमेंट्री लैंग्वेज, देखिए समकोण के आधे के उसके भाई के चाचा का सबका उसने उसमें ही एक रिलेशन पूछ लिया, तो क्वेश्चन देखिए क्या था, पेपर अच्छा हुआ है, शांतनु जी आ चुके हैं, शांतनु जी जुड़ चुके हैं, शांतनु जी पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आपने देखा पेपर शांतनु, बिल्कुल बहुत अच्छा है, चले शांतनु सर भी देख रहे हैं कि सर पेपर कैसा आया था, शांतनु जी अच्छा आया था, बहुत अच्छा आया था, आपको विवेक ने पूरी कहानी बताई है, अभी मिले हैं विवेक आपको, रास्ते में भी गाजर का हलवा खा रहे थे विवेक, देखे हैं आपने, तो उसी खुशी में वो गाजर का हलवा भी खा रहे थे, मेरे को लग रहा है उन्होंने आपको भी दिया शायद से, आपने भी उनसे खाया उसी की पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समकोण के आधे के तिगुने का समपूरक कोण होगा, समकोण के आधे के तिगुने यानी समकोण क्या होता है आपका 90 डिग्री, 90 का आधा 45 का 3 गुना, अगर हम बात करें उसने कहा 3 गुना, 45 का 3 गुना हो जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री समकोण संपूरक कोण यानी 135 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135 45 डिग्री आ जाएगा, 45 क्या होता है, ये नून कोण होता है भाई, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए समकोण क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, आपका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो सम 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, दो का सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में एक्स का मान बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल उसी गाजर के हलवे की तरह जो अभी विवेक ने खाया है शांतनु सर के साथ। चलिए शांतनु सर भी हमारे मैथ्स को देखते हैं, सीनियर क्लासेस के
चहेते हैं बच्चों के। अगला क्वेश्चन देखें, उसने कहा भाई आपको एक्स बताना, तो सीधी एक लाइन है 180 डिग्री सम आता है, तो जो अगला आ जाएगा 180 माइनस 32 प्लस 50, इनका सम ही आ जाएगा 180 माइनस 2, 5 3 8, 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, 17 में से 9 गए 92 डिग्री। ऑप्शंस आई थिंक हमने कहीं गलत कर दिया है, जरा देख लेते हैं। 50 और 32, 2 5 3 8 80, 98 आना चाहिए, ठीक है 10 में से 2 गए 8, थोड़ा सा गलती, 98 डिग्री। शांतनु सर खुश हो रहे हैं, सर आप तो हो जाता है शांतनु सर, बोल्ड में थोड़ा जरा हम अभी कम है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या समाप्त करेंगे। मैं बता देता हूँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4×9 होती है, 9999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, यानी 4×9 - 100 आपका आ जाएगा, योग बताना है, ठीक है योग बताना है, कर ही देते हैं, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़े, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या का योग बताना, 9 9 9 1 10 का जीरो बैलेंस हुआ, 9 10, 100 99 आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी, सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे, माइनस करना था, बहुत छोटा था आंसर, मैं आपको बता देता हूँ क्या इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेशन बता देता हूँ। उसने कहा 5 अंकों की ये नंबर्स हैं, सबसे बड़ी संख्या बतानी इनसे, तो ये बन जाएगी 5 3 2 1 0, और सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या के लिए भाई 0 आना चाहिए था, लेकिन अगर 0 को पहले लेंगे वो नंबर नहीं काउंट होगा, इसलिए पहले 1 लेना पड़ेगा, 10235। अब उसने कहा आपको आंसर बताएं, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 3 गए 7, 75 किसी में आ रहा है ऑप्शन में, वही आंसर हो जाएगा, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं, ठीक है वही आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 424975। नीचे दी गई संख्याओं में कौन 3 से विभाज्य है, 3 का आपको बताया था, 3 को अगर चेक करना है किसी भी नंबर्स को, तो सभी अंकों का सम 3 की टेबल में आना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए सबसे पहले देखते हैं, इनका सम जो है 3 की टेबल में आना चाहिए, 9 तो जाएगा ही 3 से, ठीक है 8 और 1 9 जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10, 10 तो नहीं जाता, ठीक है अगर 9 बन रहा है तो उसे काट देंगे हम, क्योंकि वो तो जाना ही निश्चित है उसका, 7 और 2 9 कट गया, ठीक है 4 3 7 और 2 9 यही जाएगा, डेफिनेट है 3 से जाएगा, आप चेक कर ले कैलकुलेटर में कैसे भी करें, आराम से आपका आंसर जो है बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा सॉल्व करना है इसे, 9 से सॉल्व करेंगे, ये होता है 16×32, क्योंकि पहले डिवाइड होगा, 32 प्लस 6 38 माइनस 4 34 आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल आंसर, देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, पार्टनरशिप क्या होती है कि भाई सपोज किसी दो लोगों ने पैसे लगाए तो उसी हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, सपोज एक आदमी ने 10 रुपए लगाए एक ने 20 लगाए, तो पैसे भी उनको इसी हिसाब से मिलेंगे जितने उन्होंने लगाए, जिसने कम लगाए उसको कम मिलेंगे फायदे में, और जिसने ज्यादा लगाए ज्यादा लगाए। उसने कहा दो लोग हैं, उन्होंने 28,000, रेशो का क्वेश्चन होता है साइड में कर रहा हूं मैं, 28,000 रुपए एक ने लगाए और दूसरे ने 35,000 रुपए लगाए, तो उनका फायदा भी इसी रेशियो में आएगा, और कैसे आएगा, काट देंगे 7 से 4:5, यानी अगर एक को 4 रुपए मिलेंगे दूसरे को 5 रुपए मिलेंगे, एक को 8 रुपए मिलेंगे दूसरे को 10 रुपए मिलेंगे, एक ने अगर पैसे नहीं लगाए तो उसे 1 रुपए नहीं मिलेगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था कि भाई पैसे अगर लगाए उन्होंने, तो उसने कहा भाई अंत में मोहन यानी इसको तो मिले कितने 6,250, रेशो से यानी किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 6,250 हो जाएगा, तो 5 1 5 1 बच जाएगा, 5 2 10 2 बच जाएगा 5, 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 20 बैलेंस 2 4 8 9 10 का 0 बैलेंस 1 4 5 5,000। उसने कहा टोटल बताओ कितना फायदा हुआ उनका, 0 5 2 6 5 11 11,250 यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 11,250। रेशो में जो जितना पैसा लगाता है उसको उतना ही प्रॉफिट होगा, हाँ टाइम अलग वेरी करता है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन था रेशो मेथड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीली दाल काली दाल, अब आया भाई दाल का क्वेश्चन, यानी एग्जामिनर ने सारे क्वेश्चन आपके पूछे जो भी आपके पर्सनल लाइफ में होते हैं या जिनको आप देखते हैं। उसने कहा पीली और काली दाल है 20 और 4, पीली दाल और काली दाल के 20 किलो मिश्रण में 4 किलोग्राम काली दाल है, अच्छा मिश्रण 20 किलो है भाई। चले भाई उसने कहा 20 किलो मिश्रण है, 4 किलो तो काली दाल है, यानी काली दाल 4 किलो है 20 किलो के मिश्रण में, तो सफेद दाल, सफेद तो कोई दाल नहीं होती है, पीली दाल, पीली दाल कितनी होगी 16 होगी,
यानी चार ये 16 ये। उसने कहा बताइए भाई मिश्रण में काली दाल और पीली दाल का, यानी काली ये है यानी 1:4 का रेशो आ जाएगा, 16:4 की जगह 1:4 हो जाएगा। उसने कहा आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, 4 से कट जाएगा। ब्लैक पल्सेस और येलो पल्सेस, अगला क्वेश्चन देखें। जोसेफ कोई है बोरो 25,000 ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 ईयर, हाउ मच डिड ही पे। उसने कहा कितने रुपए पे करेगा। आपने ब्याज पे कोई पैसा लिया, 25,000 रुपए लिया आपने, तो आपको कुछ देना है। तो फॉर्मूला PRT अपॉन 100 आता है, तो 25,000 इंटू 6% फॉर 4 ईयर्स, ये आपका हो जाएगा 2,0 से 2,0 कट गया 24, और इसको हम लिख सकते हैं 1,000/4, 1,000/4, 4 से कट जाएगा 6,000 हो जाएगा। 6,000 उसका ये है और 25,000 उसके पैसे, यानी 6,000 तो उसको ब्याज देना है, 25,000 उसके रुपए, तो 2,500 से 31,000, ऑप्शन सी आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, PRT अपॉन 100 सॉल्व करना था, आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, 50 सॉरी सेकंड वाला, 31,000 मिस्टेक है थोड़ा सा, 31,800 नहीं 31,000 है, 2,500 से 31,000 आपने जोड़ के देख लिया, ठीक है। देखिए शांतनु जी बिल्कुल मुस्तैद हैं कि सर गलती से भी 1% की गुंजाइश ना हो आंसर की में, बिल्कुल इसलिए बैठे हैं शांतनु सर भी कि सर गलती से गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने देख लिया था कि सर वो वाला जो आप बोल रहे हैं वो सी में नहीं बी में है, तो तुरंत उन्होंने बता दिया। बहुत बिल्कुल, कहा जाता है कि इंस्टीट्यूट के शेर हैं शांतनु सर, फेमस है वो इंस्टीट्यूट में अपने सब्जेक्ट के लिए कि उस सब्जेक्ट के अगर किसी से पढ़ना है तो शांतनु से। अगला क्वेश्चन है, 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में, यानी आपके सामने उसने प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे दिया 26,800 के, उसने कहा रेट बताइए। तो फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। सबसे पहले देखें अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट दे दिया है, अमाउंट उसने कहा है कि भाई अमाउंट है 2610 है, प्रिंसिपल 1800 है, SI निकालना है, SI हो जाता है 1800 का 9%, और टाइम निकालना था टी अपॉन 100, ठीक है। 1800 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 9 इंटू टी बराबर 2600 माइनस 10, तो ये 0 1 26 8 8 810, ठीक है, अपॉन 100, 9 से कट जाएगा 90 बार, और 2,0 से 2,0 कट जाएंगे, 18 5 90, टी बराबर 5, बाकी पॉज करके आप देख सकते हैं, टी बराबर 5 आएगा, 5 साल आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला आंसर, दिव्य आकृति का परिमाप, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। आपको कहा है कि पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड, क्वेश्चन था द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, ये सब उसने दिया डराने के लिए, बहुत बड़ा उसने क्वेश्चन बना दिया, लेकिन बहुत ईजी है भाई। एक आदमी के चार हाथ हैं और एक आदमी की लंबाई, एक हाथ की लंबाई निकाल दीजिए, आप सारे हाथ की लंबाई निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 2 2 4, यानी 4 4 8 और 4 12, इस हाथ की लंबाई 12 है, 12 12 12, सेम 48 आंसर आ जाएगा। थर्ड डायग्राम देखो इतना बड़ा है बिल्कुल, और दर्शन छोटे, आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अब देखिए क्वेश्चन, पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र में 4 चक्कर 6 चक्कर, अब पिंकी नाम की कोई लड़की है चक्कर लगा रही है, तो उसने कहा बताइए आप वर्ग है कोई, 50 50 50 50 भुजा वाला है, यानी एक चक्कर में तो वो लगाएगी 200 मीटर और 6 चक्कर लगा रही तो कितना हो जाएगा 1200 मीटर, ठीक है। उसने कहा एक और लड़की श्रुति 160 मीटर लंबे चौड़े, यानी ये है आपका रेक्टेंगल, 160 रेक्टेंगल क्या होता है, आमने सामने की भुजा, यहाँ की भुजा, वो सारा पेरीमीटर हो जाता है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 24 और 32 320 प्लस 240 0 4 2 6 3 2 5 500, इसने कितने चक्कर लगाए 2 चक्कर लगाए, तो ये लगभग हो जाएगा 0 1120, यानी 1200 मीटर लगा रही है, 1120 लगा रही है। वो कह रहा कि कौन ऐसा है जिसने ज्यादा लगाए, कितने चक्कर ज्यादा लगाए, तो पिंकी ने ज्यादा लगाए क्योंकि 1200 मीटर लगाए, उसने 1100 मीटर यानी 80 मीटर ज्यादा लगाए, किसने, पिंकी ने, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, द एवरेज ऑफ द नंबर्स, एवरेज क्या होता है, क्लास में भी पढ़ाया गया है वैसे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बताया कि सम ऑफ टोटल अपॉन टोटल नंबर, जितने भी अंक है सबको जोड़ दो, यानी 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस k प्लस k प्लस 5 अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, और उनका एवरेज है 13। उसने कहा k की वैल्यू बताइए, तो जरा सॉल्व कर लेते हैं, 15 और 5 20,
1912 31 भी 51 प्लस 2 के बराबर 35 जस 65 2 के बराबर 14 के की वैल्यू 7 आ जाएगी। ऑप्शन इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन है, उसने कहा इसका एवरेज बताइए, तो एवरेज होता है सबको जोड़ के जितने नंबर है। क्वेश्चन देखें 48 प्लस 53 50 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 49 एवरेज निकालना अपॉन कितना 5 आ जाएगा 50 ये हो गया और इसमें से अगर हम 50 निकाल दें 5 इससे बचेगा 3 इससे बचेगा माइनस 1 इससे बचेगा माइनस 2 इससे बचेगा यानी अगर हम देखें 50 50 50 50 50 250 और देखिए ये तो पूरा हो गया 5 और 3 8 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा 250 बटे 5 255 बटे 5 तो ये हो जाएगा 55 25 51 आंसर बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 51 बिल्कुल सही। अगला दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। दो विभिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है, वो कह रहा दो विभिन्न बिंदु हैं एक से अधिक बिंदुओं पर यानी अगर वो एक साथ इंटरसेक्शन करें तो एक ही पॉइंट पर करेंगे। जरा देख लीजिए ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट लाइन है, वो कह रहा भाई एक से अधिक बिंदु पर नहीं करेंगे ना, आगे तो नहीं करने वाले एक ही बिंदु तक, ये तो गलत हो गया भाई ठीक है। दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होके जा सकती हैं, वो कह रहा दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से बिल्कुल जा सकती हैं यानी दूसरा सही है ऑप्शन सेकंड वाला, केवल कथन दूसरा सत्य है। अगला क्वेश्चन देखें, x बराबर 30 है y बराबर 120 है 16 बराबर ये सॉल्व करना है, इसका आंसर जो हो जाएगा आप इस आंसर की को मिला लीजिए बिल्कुल एक्यूरेट जो आपको बताया गया है, चाहे वो हर्षित सर ने बताया है, अनुज सर ने बताया है, रीजनिंग बताया है, मैथ्स एक्यूरेट आपका 100% एक्यूरेसी के साथ है, आप इसके अकॉर्डिंग जो भी आप अपने मार्क्स कंसीडर कर रहे हैं आपके उतने आएंगे और बिल्कुल 100% आएंगे ठीक है। उसने कहा एक्स की वैल्यू 30 है वाई 120 16 इंटू तो 16 इंटू एक्स की वैल्यू 30 वाई की 120 प्लस 5 प्लस 1 चार हो जाएगा, एक बटे चार प्लस पांच 20 और एक 21 16 इंटू 21 बटे चार प्लस 1 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84 प्लस 1 85 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चंस था। उसने कहा 5 बाई 8 का दशमलव रूप है आपको बताना है, सॉल्व करें इसे डिवाइड कर दीजिए ठीक है। देखिए 85 जब 40 50 है 86 जब 48 जरा चेक कर लेते हैं भाई, लो हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, इसको 100 मान लो 1000 मान लो कुछ भी मान लो, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप उसे कुछ भी मान लें क्योंकि पॉइंट में ही आएगा आंसर, इन तीनों में से कोई आएगा। चेक करते हैं 86 जब 48 2 बच जाएगा 82 जब 16 4 बच जाएगा 85 जब 40 625 अगर कहीं दिख रहा वही आंसर हो जाएगा, चाहे पॉइंट के कितने भी संख्याओं के बाद आपके पॉइंट लगे आंसर हो जाएगा 0.625 है। इस क्वेश्चन का सबसे इजी मेथड ये 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य तो पता होनी चाहिए, पता चला अभाज्य ही पता नहीं है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो या तो खुद से जाए या एक से जाए और हर समय दो से स्टार्ट होती है और दो सबसे पहला इवन और आखिरी इवन प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या देखिए 21 से छोटी 3 5 7 11 13 17 19 और 2 बिल्कुल, देखिए संत सर ने 2 सबसे छोटी बताई भी आपको कि सबसे छोटी इवन नंबर जो इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम होता है दैट इज 2, सम करना है तो जरा देखते हैं 10 बना के करते हैं, 7 और 3 10 और 13 और 17 30 हो गया, 7 और 3 10 हो गया और 11 और 5 जरा देखते हैं 19 को 11 के साथ जोड़ देते हैं 1 और 30 हो गया, 19 11 बढ़ गए 17 और 13 30 बना दिए हैं इन्होंने और 7 और 3 10 हो गए 5 और 2 7 जिसके भी लास्ट में 7 आएगा तो अंदरों सर वही आंसर आएगा और ऑप्शन में देखिए 2 7 हैं तो थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा 3 और 3 6 और 1 7 77 आंसर ऑप्शंस ए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाज्य संख्या सदा सम संख्या होती है, उसने कहा भाई कौन सा कथन सही नहीं है, यानी उसने कहा सही नहीं होना चाहिए गलत होना चाहिए, चलो देख लेते हैं कौन सा, भाज्य संख्या सदा सम संख्या होती है, भाज्य का मतलब है जो डिविजिबल होती है, कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, कंपोजिट नंबर इवन होती है ऐसा तो नहीं, 9 भी तो कंपोजिट नंबर है बट इवन नहीं है, कंपोजिट वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी से जाएंगे उस नंबर के अलावा, जैसे 9 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, पहला तो गलत है ठीक है। प्राइम नंबर आर ऑलवेज ऑड, प्राइम नंबर क्या ऑड होते हैं, प्राइम नंबर है तो ऑड कहां से, गलत है ये भी ठीक है। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, ऐसा तो नहीं है भाई, 2 3 5 है
दोनों प्राइम है, दो भी प्राइम है, तीन भी प्राइम है, तीनों दो पाँच आ रहा है, जबकि पाँच आपका हाँ प्राइम होता है, लेकिन पाँच के साथ अगर मैं तीन ले लूँ, पाँच और तीन आठ, वो प्राइम नहीं है, वो तो कंपोजिट नंबर है, तो ये भी गलत है। दो भाज्य संख्याओं का गुणन सदा भाज्य संख्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज, ये सही है। अब उसने कहा गलत कौन है, तो ये तीनों गलत है, ए बी सी, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा ए बी सी, ये तीनों गलत है। 30 बच्चों की पार्टी दी गई 450, 300, 270 के पिज्जा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आजकल के बच्चों ने तो बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन तो मैं चाहूंगा कि सैनिक वालों से ऐसे क्वेश्चन ना दे, बर्गर पिज्जा। अब बच्चा क्या इस क्वेश्चंस को करे ना करे, लेकिन वो अभी मम्मी से जरूर रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसका पेपर तो अच्छा गया है। मम्मी खाना है पिज्जा बर्गर और ऐसे पैकेट देखिए, ऐसे पैकेट, ये शांत रहो सर, ऐसे पैकेट अभी आ जाएंगे, तो ये ऐसे पैकेट बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स को भी बिल्कुल है। अब ये कहाँ से आए, ये सांतुरु सर है, पर थोड़ा बड़े बच्चे खा सकते हैं लेकिन छोटे बच्चे नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखिए बर्गर पिज्जा, एग्जामिनर भी जानता है बच्चों की कमजोरी, कि जैसे ही क्वेश्चन दूंगा बच्चों को पिज्जा बर्गर की याद आ जाएगी और क्वेश्चन वो छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं करना था। हमारे बच्चों ने तो खैर उनका हमने उन्हें काफी मेंटेन किया है, इन चीजों से दूर रखा है। उसने कहा 450, 300 रुपये, 270, ये सारा कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदा, टोटल पैसा लग गया 7 5 12 का, दो बैलेंस हुए, 4 3 7 2 9 1 10, 1020 रुपये। उसने कहा बताइए कि हर बच्चे के हिस्से के कितने पैसे लगे, 30 से कट जाएगा, 3 3 9 1 3 4 34 रुपये हर एक बच्चे पे खर्चा हुआ, बंद करें ये खर्चा तो बंद करें। और रिक्वेस्ट है सैनिक स्कूल से भी ऐसे क्वेश्चन ना दें, इनसे पिज्जा वगैरह का वो बढ़ जाएगा। वो कह रहा 4009 प्राप्त करने के लिए 3500 और 2065 के युग से क्या कर रहा है, यानी माइनस का सवाल था, यानी ये तो ऐसी क्वेश्चन हो गया कि भाई आपको 10 प्राप्त करना है तो 15 में से क्या घटाना है, 5 घटाना है, तो कुछ नहीं करना था, इन दोनों को जोड़ देना था और उसके बाद इसको माइनस करना था, 9 5 14 का 4 बैलेंस 1, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 3 और 2 5, इसमें से 4009 माइनस करना, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 1, 1665, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रोमन संख्या का सही रूप, आपको बहुत इजी मेथड इसका बताया था कि रोमन संख्या अगर आपको इजी बनानी है, बच्चे डर जाते हैं सी वी डी, तो मैंने आपको बताया था, एक तो आपको याद करना है कि घर में एक बच्चे के आएगा एल सी डी और वो भी महंगा वाला, यानी एल सी डी आया महंगा वाला, एल यानी 50 100 50 100 500 और ये 1000, ठीक है। सबसे पहले 199 क्वेश्चंस को भी करना है, उसको भी थोड़ा तरीके से लिखेंगे, 100 90 9 ऐसा करना है, ठीक है। 100 आता है आपका सी का, ठीक है, 90 आ जाता है, 90 को लिखते हैं सी और इसको लिखेंगे 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 आता है एक्स सी, ठीक है, सी एक्स सी, और 9 का तो हम जानते हैं आई एक्स, ऑप्शन थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, सेम उसी का रोमन नंबर का, 20 10 10 और 1 21, ये 21 हो जाएगा, 21 माइनस ये हो जाएगा 15, यानी 21 में से 15 गया 6, माइनस 6। उसने कहा भाई बताओ इसका रोमन नंबर क्या है, पूरा ये तो कट गया, यही तो आ जाएगा एम सी एल एक्स एक्स 111, थोड़ा नजरों का है, 111 आएगा ऑप्शन ए, यानी वो तो पूरा कट गया, वो कुछ करना ही नहीं था, बस आपको थोड़ा सा उसकी हेल्प लेनी थी और पूरा नंबर कट जाता, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 12 किलोमीटर चलने के लिए वह कितना समय लेता है, कितने मिनट में लेता है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, क्लास में काफी बार हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जरा देखते हैं। हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर घंटे से चलता है, यानी उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में वो जाता है 45 किलोमीटर, ठीक है, वह कितने समय में 12 किलोमीटर लेगा, यानी एक घंटे में 45, यानी 60 मिनट में कितना 45, एक मिनट में कितना 45/60। उसने कहा 12 किलोमीटर चलना, 12 किलोमीटर चलना, तो हम इसे उल्टा घुमा देते हैं, यानी 45 किलोमीटर जाता है वो 60 मिनट में, यानी एक किलोमीटर जाएगा 60/45 में, 60/45। उसने कहा 12 किलोमीटर, यानी 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, 15 3 = 45, 15 4 = 60, 3 से 4 अच्छा, उसे लगभग 16 मिनट लग जाएंगे, ऑप्शन थर्ड। सेम क्वेश्चन होता है, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि हर घंटे में आप इतने किलोमीटर जाते हैं, मैंने आपको कहा कि आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब एक घंटे में आप 60 जाएंगे, आपकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में आप 45 जाते हैं, यानी 60 मिनट बराबर 45 किलोमीटर, वही हमने किया, 45 किलोमीटर बराबर 60 मीटर। अगला क्वेश्चन, सेम अगला क्वेश्चन वैसे, 40 मिनट में 24 किलोमीटर जाता है, यदि वो अपनी गिनती को 4 सेंटीमीटर बता दे, करा देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था एज कम्पेयर टू जो बच्चों का लेवल था उसके हिसाब से, एक 40 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 40 मिनट का मतलब देखिए 24 को हमने चेंज कर दिया किलोमीटर पर आवर में,
और 40 मिनट का मतलब है 240, सॉरी 2400 सेकेंड। इसको हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड। भैया आप 24 किलोमीटर का मतलब है 24,000 मीटर, और 40 मिनट का मतलब है 40 × 60 2400 सेकेंड। सॉल्व करेंगे उसकी स्पीड आ जाएगी 24 से कट जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करना है क्योंकि उसने 4 किलोमीटर उसकी स्पीड बताई। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बनाना, यानी एक पतला आदमी मीटर उसे किलो का बनाना, तो उसे खूब खिलाना पड़ेगा। दो वैल्यू होती है, आपको बताया था क्लास में कि 5/18 और 18/5, तो छोटे को बड़ा बनाना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दो, यानी उसकी स्पीड हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा 4 बढ़ा दो भाई कितना हो जाएगा, वह समय मिनट में लेगा, अब उसकी स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने कहा 4 किलोमीटर, उस दूरी को तय करने में अब उसे 24 किलोमीटर जाना है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला DST, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, तो T बराबर 24/40। और उसने कहा ये बताना मिनट में, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिनट में आ जाएगा इंटू 60 कर देंगे, 3/2 12 12 36 आ जाएगा, 36 मिनट इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा समझ के पॉज करके आप इसे दो बार समझे, आंसर 36 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृता अपने पुत्र के लिए लेखन सामग्री के भाई इतना सब खर्चती है, भाई खर्च बाप रे, प्राइवेट स्कूल तो कुछ ज्यादा ही सामान इतना ज्यादा ऑर्डर कर देते हैं। चलिए थैंक्स, बच्चे ड्रीमर्स में है, उतना नहीं है उनका खर्चा। देखिए क्या है कि अमृता अपने पुत्र के लेखन सामग्री बाजार गई, 500 रुपए लेके चल गई। सबसे पहले उसने 135.5 का कुछ खरीदा, 30.5 का कुछ और खरीदा, 3.75 का कुछ और खरीदा, रंग फंग जो उसने खरीदे भाई खरीदने दो। शॉपिंग के लिए गई है अमृता की मम्मी, अमृता अपने पुत्र के लिए गई है, चलिए रोकेंगे नहीं, 142.0। ठीक है, 5 5 10 7 17 का 7 बैलेंस 1 आ जाएगा, 8 2 10 और 8 18 1 19 का 9 बैलेंस 1, 4 4 8 6 14 1 15 का 5 बैलेंस 1, 1 2 3 यानी 359.75 का उसने खरीदा है। उसने कहा उसके पास बचा कितना है, वैसे तो बचना कुछ चाहिए नहीं था, फिर भी बचा है, थोड़ा बहुत बचा है 0.25, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, और ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 140.25 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। आप इस आंसर की को चेक कर लीजिए, पेपर को आप चेक करें, जितने क्वेश्चन इस आंसर की से बन रहे हैं एक्यूरेट आपके उतने आने वाले हैं, और बहुत अच्छा पेपर था, हमारे बच्चों ने तो बहुत अच्छा किया है, और जो ऑफलाइन थे ऑनलाइन थे उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। आई होप सभी बच्चों का अच्छा हो, चेक करके आप इसे चेक कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जितने नंबर बन रहे हैं वही आपके बन रहे हैं। हमारी तरफ से ये जो पूरा कंप्लीट पेपर है ये सॉल्व हमने किया, अनुसर को अपने इंग्लिश में अपने नंबर्स को चेक कर लेंगे, हर्षित सर 25 में से 26 लाने वाले हैं, आप उनके भी चेक कर लीजिए, और बाकी ये मैथ्स और रीजनिंग का आप देख सकते हैं। तो हमारा सेशन यहीं तक होता है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।